हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा माधव की, श्री महाप्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राधा माधव जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी लोग आइए प्रेम से पीछे से, हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे ये मंत्र सबके लिए है सबके से इसलिए सब लोग बोलिए पीछे से हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे गाली बजाते हुए सब लोग हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गाइए गाइए सब लोग कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय गौरनिताय
गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्मराज हरिनाम संकीर्तन के जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल आराध्यो भगवान ब्रजेश तनाय तद धाम राम्या काचिदुपाशना ब्रजवधो ब्रजेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममानं प्रेमापुमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरे न पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा वफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्वहं न जाने जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः पंस्त्वत्कं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मेरे पीछे पीछे बोलिए ओम
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्प्रायेषु अभद्रेषु नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भवती भक्तिर्ना नैष्टिका भक्तिर्भवती नैष्टिकी भवतीर्भक्ति नैष्टिक। हरे कृष्णा। ग्रंथा श्रीमद् भागवत महापुराण की जगद्गुरु शिल प्रोपाद की निताय गौर प्रमानंदे। ग्रंथराज कौन जमीन ले रहा है उनका थोड़ा देख लीजिए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 1 उच्चारण कर भेजाऊं मैं। मिला है ना। श्री शुक वाच श्री शुक वाच नंद नंदपति वच सौरे नंदपति वच सौरे नामृषायति विचिन्तयन् नामृषेति विचिन्तयन् हरिं जगात शरणं हरिं जगाम शरणं उत्पातागम संकितः उत्पातागम संकितः। पढ़ेंगे और कोई। श्री शुक वाच श्री शुक वाच नंद पथि वच सौरे नंद पथि वच सौरे नामृषेति विचिन्तयन् नामृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं हरिं जगाम शरणं उत्पात आगम संकित उत्पात आगम संकित। माताजी कोई एक पढ़े। भगवान की सेवा में शर्माना नहीं चाहिए। आप सब विद्वान हैं, हमें पता है, पंडित हैं। दीजिए पढ़ने के लिए। श्री शुक वाच नंदपति वच सौरे नामृषेति विचिन्तयन् नामृषायति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं हरिं जगाम शरणं उत्पातागमे शंकितः उत्पातागम शंकितः। और कोई। ठीक। श्री शुकः वाच
नन्दः पथिव च सौरे न मृषा इति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागम शंकितः। कितना अच्छा तू पढ़े, वेरी नाइस। ठीक है, शब्दार्थ। श्री शुक वाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नंदः, नंद महाराज ने पथि घर आते हुए रास्ते में, घर आते हुए रास्ते में वचः शब्द शब्द शौरहे वसुदेव के ना नहीं नहीं मृषा निरर्थक इति इस प्रकार विचिन्तयन् विचिन्तयन् अपने पुत्र के शुभ अशुभ के विषय में सोचकर अपने हरिम भगवान भगवान नियंता की नियंता की जगाम जगाम ग्रहण की ग्रहण शरणम शरणम शरण शरण उत्पात उत्पात उद्रवों की उद्रव आगम आगम आशा से शंकितः शंकितः भयभीत हुए भयभीत हुए। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति यशि भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब नंद महाराज घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने विचार किया कि वसुदेव जी ने जो कुछ कहा था वह असत्य या निरर्थक नहीं हो सकता है। अवश्य ही गोकुल में उत्पात के उत्पातों के होने का कुछ खतरा रहा होगा। जो ही नंद महाराज ने अपने सुंदर पुत्र कृष्ण के लिए खतरे के विषय में सोचा त्यों ही वे भयभीत हो उठे और उन्होंने परम नियंता के चरण कमलों में शरण ली। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तात्पर्य तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब कभी कोई संकट आ पड़ता है तो शुद्ध भक्त अपने सदैव भगवान द्वारा दी जाने वाली संरक्षण तथा आश्रय के विषय में सोचता है। भगवद गीता में भी 9:33 इसी का उपदेश है, अनित्य सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस जगत में पग पग पर संकट विपदा है, पदम पदम यद विपदाम। अतएव भक्त के लिए पद पद पर भगवान की शरण में जाने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं रहता। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रतिस्थापित कार्तिक मास के दामोदर लीला में, दामोदर लीला के तीसरे दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। गत सत्र में हमने भगवान के दिव्य जन्म की कथा सुनी, कुछ श्लोकों से कुछ आचार्यों के टीका से थोड़ा उठिए और टीकाओं से हमने कुछ समझने का प्रयास किया। अब हम लोग सुने कि जब ये जन्म उत्सव मन गया, नंद उत्सव मन गया, तो नंद बाबा के मन में विचार आया कि कंस क्या है, दूरमति है। क्या है? दूरमति। दूरमति मतलब गंदे विचार वाला व्यक्ति है। और कंस के अनुचर हर एक महीना कर लेने के लिए कहाँ आता है, गांव गांव में आता है। तो इससे पहले कि वह यहाँ पर आए, हमें खुद जाकर के कंस को कर दे देना चाहिए, क्योंकि अगर वह आएगा और यहाँ देखेगा पुत्र को तो हो सकता है उसके मन में कुछ दुर्भावना उत्पन्न हो। तो इससे पहले कि वो यहाँ पे आए, हम ही वहां जाएं और क्या करें, उसको शांत कर देते हैं ताकि लफड़ाई ना हो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गोपान गोकुल रक्षायां निरुप्य मथुराम गतः नंदा कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुं कुरुद्वा। जो वार्षिक कर है उसको देने के लिए नंद बाबा गए। कहां पे गए? कहां गए? मथुराम गतः, मथुरा गए।
क्यों मथुरा गए? तो नंद कंसस्य वार्षिक्य कर्म, वार्षिक कर देना था, है ना। तो अपने गांव के बहुत सारे बैलगाड़ी को जमा किए और उनमें बहुत सुंदर बहुत सारा दूध दही माखन के मटके भरकर नंद बाबा गोकुल से मथुरा निकले और सीधे कंस के दरबार में पहुंचे। वो सारा दूध दही माखन कंस को दे दिया। अब नंद बाबा के मन में इच्छा हुई कि वसुदेव जी को मिल करके जाऊं, क्योंकि जब ये मतलब दुर्गा देवी जब प्रकट हुई थी तो उसके बाद कंस जो है सो अपनी बहन से बहुत क्षमा याचना किया था, बहुत क्षमा याचना किया और बहुत सुंदर प्रवचन भी किया कि व्यक्ति आ जाता है माया के बस में और कुछ कुछ कार्य कर देता है, लेकिन बहन बहुत कुछ कुछ बताया तो उन्होंने माफ कर दिया और फिर उन्होंने उनको क्या कर दिया, आजाद कर दिया। तो महल में रह रहे थे तो उनसे मिलने के लिए गए, है ना। तो वसुदेव जी नंद बाबा से मिलने गए और अकेले गए, अपनी पत्नी देवकी को लेकर के नहीं गए। गुरु महाराज कहते हैं कि स्त्रियों के मन में बात पचती नहीं है। अब कितना सच है ये तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन महाराज कहते इसलिए अकेले गए कि कहीं ये देवकी देवी कह दी कि नंद बाबा देखो, हाँ नंद बाबा आपके घर पे जो लाला है ना वो आपका लाला नहीं है, वो मेरा लाला है, ध्यान से रखना उसको, तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। तो इसलिए अकेले लेके गए। वसुदेव जी नंद महाराज से अकेले गए नंद बाबा से मिलने के लिए। नंद बाबा जैसे ही सीढ़ी से उतर रहे थे, वसुदेव जी दोनों के मन में विचार हुआ कि मिल लिया जाए। वसुदेव जी नंद बाबा को मिले और बहुत सुंदर मिलन हुआ। और मिलन के बाद वसुदेव जी नंद बाबा को डायरेक्ट नहीं पूछे कि आपका बेटा कैसा है, है ना, डायरेक्ट नहीं पूछे, इनडायरेक्टली पूछा कि हे नंद बाबा बताओ आपके ब्रज में सब ठीक तो है, आपकी 9 लाख गाय ठीक से घास तो खा रही है ना, ये सारी गैया ठीक से दूध तो देती है ना, क्योंकि गाय अगर घास मिलेगा तो ठीक से दूध देगी और दूध देगी तो मेरा बेटा पिएगा और बलवान हो जाएगा, है ना। बहुत सुंदर दोनों के बीच में संवाद हुआ और संवाद होने के बाद मैंने बातों ही बातों नंद बाबा ने कह दिया कि आज मेरी इच्छा हो रही है कि अब शाम हो ही गया है तो रात को मथुरा में ही रुक जाते हैं, शाम को मथुरा में। वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा आप ऐसा मत करना, आप आज अभी इसी वक्त गोकुल जाने के लिए निकल पड़ो तुरंत। क्यों? क्योंकि हो ना हो गोकुल में कुछ गड़बड़ हो रही है, आशंका मुझे लग रही है। इतना सुनते ही नंद बाबा ने बैलगाड़ी में बैल को जोड़ दिया। आप लोग बैलगाड़ी देखें, बैलगाड़ी होता है उसमें एक जुआट होता है, है ना, और उसको फिर बैल को उसमें नादा जाता है, बांधा जाता है। और इतना सुनते ही नंद बाबा बैलगाड़ी में बैल को बांध दिए और सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद के 6 अध्याय को प्रारंभ करते हुए इस प्रसंग को शुरू करते हैं। नंद पथि वचे सोरे न मृषायति विचिन्तयान हरिम जगाम शरणम उत्पात आगम शंकिता। नंद बाबा मथुरा से निकल गए, बैलगाड़ी में बैठे हैं और अंधेरी रात है, थोड़ी नींद आती है लेकिन अचानक नींद खुल जाती है। नींद आ रही है लेकिन खुल जा रही है, क्योंकि बैल क्या होते हैं अब इसमें तो नहीं कहा जा सकता, इसके स्टेरिंग को तो याद नहीं रहता है कि कहाँ घर है, लेकिन बैल को याद रहता है, है ना। बैल अगर जंगल में भी चरने जाती है तो वह शाम तक खुद ब खुद वापिस आ जाती है, तो बैल गाड़ी में स्टेरिंग घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको आप चालू करके छोड़ दीजिए, आप सो भी जाएंगे तो धीरे 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 करके वो पहुंचा। अब तो जमाना बदल गया है, बिना स्टीयरिंग पकड़े हुए थोड़ा सा भी नहीं चलेगा ना। तो वसुदेव जी सो रहे हैं, जग रहे हैं, पता नहीं गोकुल में क्या हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि वसुदेव वचन न मृषायति, वसुदेव जी की वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देवता की आकाशवाणी थी। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था ना
तभी यह आकाशवाणी थी कि ये वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए वसुदेव जी ने अगर कहा है कि कुछ मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ उत्पात हो रहा है, इसका अर्थ है कि कुछ उत्पात हो रहा है। ये नंद बाबा के मन में आशंका होगी। अब जीव गोस्वामी यहां पर कहते हैं कि आशंका हुई, अगर कन्फर्मेशन हो जाता ना तो नंद बाबा के प्राण तो कब के छूट गए होते, कब के छूट गए होते, तो आशंका इसलिए प्राण टिकी हुई। तो नंद बाबा के मन में बड़ी चिंता संकल्प विकल्प हो रही है। देखिए जीवों के मन में चिंता होना ये बहुत कॉमन बात है। संसार दावा नली दिया निसी हिया चले, ये संसार रूपी दावा नल ये चिंता सबको जला रही है। चिंता और चिता में अगर आप देखें तो मात्र अनुस्कार का भेद है, है कि नहीं? चिंता और चीता दोनों में कोई अंतर नहीं, केवल एक डॉट एक अनुस्कार। और दोनों का काम, दोनों का काम सेम, चिंता भी जलाती है और चिता भी जलाती है। अब अंतर क्या है? चिता मरने के बाद जलाती है और चिंता जीते जी व्यक्ति को तिल 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 करके जलाती रहती है। वर्तमान में जितने सारे रोग विघ्न हो रहे हैं, डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ये सब चिंता के ही रोग हैं। सारा ये सब चिंता के रोग हैं। तो दिन प्रतिदिन ये समस्याएं बढ़ रही है। लेकिन जब हमें नंद बाबा के जीवन से सीखना पड़ेगा कि जब नंद बाबा को चिंता बढ़ी तो नंद बाबा ने क्या किया। अब नंद बाबा को भी चिंता हुई, चिंता हम लोगों को भी होती है, तो हमको यह सीखना पड़ेगा कि जब नंद बाबा ने चिंता हुई नंद बाबा को, तब उन्होंने क्या किया, और वही कार्य क्या करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। तो जब नंद बाबा के मन में चिंता हुई तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हरिम जगाम शरणम उत्पात आगम संकित। नंद बाबा ने और कुछ नहीं किया, क्या किया, हरि के शरण को ग्रहण कर लिए, अर्थात मन ही मन हरि से प्रार्थना करने लगे, भगवान विष्णु से प्रार्थना किए। क्या प्रार्थना किए? हे प्रभु, हे हरे, मम गृहे कचित उत्पात ना भवेत। हे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हे हरे, मम गृहे कचित उत्पात ना भवेत, यदि भवेत तरही त्वम स्माकम रक्षम इति ही। हे हरे, मेरे घर पर किसी भी प्रकार का उत्पात मत होने देना, और अगर उत्पात हो रहा है तो उसकी रक्षा आप कर लेना। संसार के मनुष्य के पास भी भगवान को प्रार्थना के अलावा देने के लिए और क्या है बताइए? भगवान को अगर देना ही है तो क्या दीजिए? प्रार्थना दीजिए, केवल प्रार्थना। और दूसरी ओर गोकुल में चाहिए, दूसरी ओर गोकुल में चलिए, जहां पर हम लोग क्या सुने थे, भगवान का जन्म हुआ और कंस ने क्या किया था, एक अर्जेंट मीटिंग बुलाया था, याद है ना, बुलाया था कि नहीं, अपने मंत्रिमंडल का। वसुदेव जी के वचन मिथ्या नहीं थे, गोकुल में उत्पात हो रहा था। क्या हो रहा था? तो कहते कंसेन प्रहिता घोरा पुतना बाल घातनी शिशुन चचार निगनंती पूर ग्राम व्रज आदिशु। नंद बाबा के गोकुल में कंसेन प्रहिता घोरा पुतना बाल घातनी
क्या कह रहे हैं, कंसेन प्रहिता, कंस के द्वारा भेजी गई थी। कब भेजी गई थी, तो जब वसुदेव जी कन्या को लेकर के गए कारागार में, जब वो कंस ने उसको मारने का प्रयास किया और वह उड़ गई, निकल गई, तो उस समय अपने मंत्रिमंडल का अर्जेंट मीटिंग बुलाया कंस, और मीटिंग बुलाई और चिंता व्यक्त किया। अब जैसे ये था वैसे उसका मंत्रिमंडल बोला, जितने बच्चे जन्म लिए हैं ब्रजमंडल में सबको मरवा देते हैं दो चार दिन वाले को। कंस बोले, एकदम सही बोल रहा है, तो यही तो मेरा है वफादार राजा, समझ रहे हैं? तो उसी समय वहां पुतना भी आई, सब ये राक्षस लोग ही बैठे थे, उसमें पुतना भी आई और पुतना ने कहा कि भाई महाराज, महाराज अगर आप इन लोगों को भेजेंगे तो गांव में उत्पात मच जाएगा और हो सकता है कि लोग अपने बच्चे को लेकर के ब्रज को छोड़ दे। तो आप तो जानते ही हैं कि मैं भेष बदलना जानती हूँ, तो मैं एक काम करती हूँ, भेष बदल बदल कर गांव में जाऊंगी और उन बच्चों को जहर दे दे करके मार दूंगा, मार दूंगा, इसलिए आप अपने अनुचरों को मत भेजिए, मैं जाती हूँ। कंस को ये विचार बड़ा अच्छा लगा, बोले बहुत अच्छा बात है, गोकुल इत्यादि में जाकर बालकों को मार दूंगी। कंस का, कंस ने आदेश दिया, पुतना तुम जाओ सारे बालकों को मार दो। कहते कंसेन प्रहिता, किसने भेजा था? कंस ने भेजा था पुतना को। पुतना का अर्थ क्या है? पुतना मने क्या होता है? पुतना अपि न इति इति पुतना, पू मने जो पुरुषों को भी मार डाले उसे पूतना कहते हैं। अब सोचिए जो बड़े बड़े पुरुषों को मार दे तो उसके सामने छोटे बालक का क्या तुलना। और भी अर्थ बताते हैं, पवित्रान अपि न इति इति पूतना, जो पवित्र व्यक्ति को, शुद्ध व्यक्ति को भी मार दे उसे पूतना कहते हैं। तो कंसे न प्रहिता घोरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैं वर्णन जो कर रहा हूं ऐसे ने, आपको बाद में प्रश्न भी करूंगा मैं, इसलिए नोट करिएगा। कंसेन प्रहिता घोरा, उसका स्वभाव कैसा था? घोर स्वभाव की थी। किसके द्वारा भेजा गया था? कंसेन प्रहिता, पूतना बाल घातनी, उसका पैसा क्या था? बाल घातनी, उसका बिजनेस था बालकों को मारना, बालकों को मारकर उसके खून को पी जाना, मांस खा जाना। शिशुन चचार नगनंती, छोटे छोटे बालकों को ढूंढते ढूंढते पूर ग्राम ब्रज आदि सो पूर ग्राम ब्रज में वह ढूंढने लगे, और घूमते घूमते वह पूतना कहाँ पहुंची? गोकुल में पहुंची। यह बात जैसे ही महाराज परीक्षित ने सुना, तुरंत महाराज परीक्षित कांप गए। महाराज परीक्षित सोचने लगे कि पूतना गोकुल में आ गई है, अब तब तो वह कृष्ण को मार डालेंगे। क्योंकि महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के मुख से इस प्रकार से कथा सुनते थे भक्तों, और उस कथा के अंदर प्रवेश कर जाते थे, हमारे तरह नहीं कि कब प्रभु जी खत्म करेंगे मैं जाऊंगा, नहीं, शरीर यहाँ पर और मन घर पर, बिजनेस पर, ऐसा नहीं, शरीर भी यहाँ और मन भी यहाँ। इसी प्रकार से हमें कथा सुनना चाहिए। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के भाव को देख करके समझ गए, उनकी चिंता को दूर करने के लिए एक मिनट के लिए कथा रोक दिए और शास्त्र का सिद्धांत कह दिए। परीक्षित, चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पूतना गोकुल में प्रवेश तो कर गई है, लेकिन कृष्ण का और ब्रज के बालकों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्यों? क्योंकि न यत्र श्रवण आदिनी रक्षा घनानि स्व कर्मसु कुर्वन्ति सात्वताम भ्रतुर यातु धन्य च तत्र ही। संसार में ये आसुरी शक्ति का स्वभाव, ये प्रभाव, ये भूत प्रेत माया का प्रभाव उन्हीं लोगों के ऊपर होता है जो भगवान कृष्ण की कथा नहीं सुनते, जो भगवान का नाम नहीं जपते। अर्थात जो लोग भगवान का नाम जप करते हैं, कृष्ण की कथा सुनते हैं, ये भूत, भूत, ये प्रेत, ये माया, ये आत्मा, ये ग्रह, ये नक्षत्र, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते,
कुछ नहीं मिला। इसीलिए कीर्तन करते रहना चाहिए। क्या हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सभी लोग हरे राम जोर से राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिस भगवान का नाम लेने से कथा सुनने से आसुरी शक्ति का प्रवाह नहीं होता है, तो जहाँ पर साक्षात भगवान विराजे वहाँ का ये पूतना क्या बिगाड़ सकती है? कुछ भी नहीं, चिंता मत करो। कथा को आगे बढ़ा रहे, सखेचरी एकदा उत्पत्या पूतनानंद गोकुलम योषित्वा मायात्मनम प्राविशत कामचारिणी। अब पूतना के गुण का वर्णन कर रहे हैं। सखेचरी, कैसी थी वह पूतना? खेचर, वह पूतना खेचरी थी। खेचरी मतलब हाँ, आकाश में भ्रमण करने उड़ जाती थी। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि बड़े बड़े राक्षस भी आकाश में उड़ सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस दुनिया में अगर कोई चमत्कार दिखाए कि हम आकाश में उड़ सकते हैं और पानी पर चल सकते हैं, तो उसे कहना चाहिए कि ये कार्य तो राक्षस भी कर सकते हैं। क्या आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं? जो देवताओं के कार्य है, ठीक है। तो पूतना आकाश मार्ग से उड़ सकती थी, आकाश मार्ग से उड़ करके गोकुल में आई और गोकुल में उतरी और पूतना ने एक बहुत सुंदर रूप बना लिया। डर गया वो पूतना का नाम सुन के। शांति। तो अब पूतना ने कैसा रूप धारण किया? सुखदेव गोस्वामी ने पूछा। अब उस श्लोक बताऊंगा तो उसकी व्याख्या करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इतना ही समझ लीजिए। पूरा पता चला, पूरा लेक्चर ही खत्म हो गया उसी के ऊपर। संक्षिप्त में कहूं कि पूतना ने कैसा रूप बनाया, तो समझो कि आज कोई माताजी ब्यूटी पार्लर में जाकर के 3 घंटा बैठती है और बैठने के बाद जब निकलती है ना तो कैसे लगती है, वैसे ही पूतना लग रही थी। पूतना के नाखून एकदम लॉन्ग नेल, लंबा लंबा नाखून, नाखून अपनी बढ़ाई हुई थी। आज भी कुछ स्त्रियां अपने नाखून बढ़ाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं ना जाने किस हिरण्यकश्यप को फाड़ने के लिए बढ़ाती है। किसी ने कहा महाराज अपने पति को
अब बाल कैसे थे पूतना के? कैसे थे बाल? एकदम रेड कलर के, हाइलाइटेड बाल। रेड कलर कराते ना, देखा है कभी? कुछ माता जी लोग रेड कराते हैं एकदम हाइलाइटेड, अब बिल्कुल स्ट्रेट भी कराते हैं, है ना? तो स्ट्रेट खुला हुआ बाल, बिल्कुल चुड़ैल जैसी लग रही थी, भयंकर चुड़ैल। महात्मा गण कथा सुनाते हैं। एक बार एक व्यक्ति बहुत शराब पी लिया, रास्ते में एक आदमी मिल गया, बहुत अभिमानी था। बोला मैं बहुत बलवान हूँ, बलवान हूँ। बोला अरे क्या बलवान हो, बलवान हो तो शमशान में जाकर के रह सकते? बोले हाँ रह सकता हूँ। चला गया शमशान में, रात को बहुत बड़ा चुड़ैल प्रकट हो गया, बहुत हा हू ही हा हू करने लगा। वो सारा भी चुपचाप बैठा रहा, वो चुड़ैल हार गई और पूछती है, तुझे डर नहीं लगता? इतना डरा रही हूँ। बोले अरे तेरे से क्या डरना, तेरे से भयंकर तो मेरे घर पे बैठी हुई है, डेली 3 घंटा जाती है ब्यूटी पार्लर, चल के देख। तो पूतना बाल घाते नहीं आई थी गोकुल में, अपना रूप बदल कर आई थी। ये पूतना का रूप, लंबे लंबे बाल, बिखरे हुए बाल थे, परंतु गोपी का रूप धारण कर लिया। अब देखिए कथा तो अब शुरू हो रही है। बाल बांध लिए गले में, कंठी पहन रही, पेंटिंग कर रही है। भाल पर, माथे पर क्या किया? गोपी तिलक लगा लिया। बड़ी महिमा है जी गोपी तिलक लगाने की, बहुत महिमा है। बिल्कुल हूबहू गोपी बन गई पूतना। एक हाथ में कमल की फूल ली, एक हाथ में साड़ी की पल्लू ली, और उस कमल के फूल को घुमाते 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 गोकुल में चलने लगी। गोकुल वासियों ने देखा तो लगा कि अरे साक्षात लक्ष्मी नारायण से मिलने जा रही है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक बहुत सुंदर सिद्धांत इस श्लोक में दिया। बोले ये ब्रजवासियों का भाव है, जो शुद्ध भाव के भक्त होते हैं ना, उसे किसी व्यक्ति में दोष नहीं दिखता, किसी व्यक्ति में दोष नहीं दिखता। यदि हृदय शुद्ध है, अपना हृदय शुद्ध है, तो पूरी दुनिया शुद्ध है। आज ये राक्षसी पूतना भी ब्रजवासियों को लक्ष्मी देवी नजर आ रही है। तो ये ब्रजवासियों का सिद्धांत बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर सिद्धांत है। और इसको समझना चाहिए कि भाई यह पूतना इस प्रकार से रूप धारण करके आई है। अब आगे आगे सुनिएगा, किस रूप की कृपा से उसे क्या मिल गया। यह उसका भगवान ने उसको स्वरूप ही प्राप्त करा दिया। समझ रहे हैं ना? भगवान ने क्या किया, उसे उसका स्वरूप ही दे दिया, स्वरूप ही दे दिया। तो ये बहुत खैर बहुत अच्छी बात है कि भाई इस प्रकार से ठीक है, भक्ति नहीं हो पा रही है, लेकिन कम से कम रूप तो बना लेना चाहिए भक्तों का। कोट, समझ रहे, कोटिंग समझते हैं ना, एक कोट तो कर लेना चाहिए भक्तों का, कोटिंग कर लेना चाहिए। कृष्णा का पूतना का भाव कितना खराब है कि नहीं? खराब भाव से आई है ना कि अच्छे भाव से आई? आप बताइए किस भाव से आई है? खराब भाव से आई है, लेकिन फिर भी आप देखें, अगर आप देखें इसको, तो भगवान इसका उद्धार करने वाले हैं। भगवान उद्धार करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो यह पूतना धीरे धीरे करके, धीरे धीरे कर करके भगवान की ओर जा रहे हैं। बहुत सुंदर इसका रूप था, इसके रूप का भी वर्णन आया है भागवतम में, ताम केश बंध वैसिक्त मल्ल काम। कैसी थी पूतना, तो कहते हैं ताम केश बंध। उसने बहुत सुंदर अपने बाल बांधे थे,
अगर आप सुनिएगा ना तो एकदम लगेगा कि भाई तो कोई हीरोइन आ रही है। और उसमें भी कुछ बीच में फ्लावर्स डाली हुई थी, वो भी कौन से फ्लावर उसका भी वर्णन आया तो मालती के फूल लगाए थे। वैसे तो मल्लिका केस की चोटी गुथी हुई थी, मोगरे का फूल, तो बहुत सुंदर इस प्रकार से वह बहुत सुंदर वल्गु स्मित मुस्कुराता हुआ चेहरा उन्होंने बनाया था। तो खैर अगर आप देखें तो ये पुतना वध के ऊपर ही एक भागवत कथा की जा सकती है, लेकिन हम हमारा प्रायोजन दामोदर लीला तक पहुंचना है तो खाल इतना समझ लीजिए, आप समझ ही गए होंगे किस प्रकार से वह आई। और यशोदा धीरे 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 पुतना यशोदा के घर पे चली गई और वहां पर यशोदा और रोहिणी कृष्ण को पालने पर झुला रही थी। पुतना ने प्रवेश किया, यशोदा और रोहिणी ने पुतना को देखा, बहुत सुंदर इसका रूप था। पुतना ने कहा क्या मैं आपके बच्चे को खिला सकती हूँ? यशोदा और रोहिणी तो अपने आप को धन्य समझे, इतनी सुंदर स्त्री हमारे बच्चे को खिलाएगी? यशोदा ने कहा क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर। यशोदा रोहिणी अब उनके भरोसे छोड़ करके अपने गृह कार्य में व्यस्त हो गई। पुतना धीरे 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 करके कृष्ण के पास आने लगी। कृष्ण ने देखा ये राक्षसी पुतना आ रही है। अब पुतना को देख करके कृष्ण ने चराचरत्मा सन्निमिलिक्षितनः लितिक्षणः, कृष्ण ने अपनी आंखों को क्या किया, बंद कर लिया। अब पुतना को देख करके भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली, इसके 24 कारण है, है ना? तो 24 बताने का समय तो नहीं है, एक दो बताता हूं। कृष्ण ने पुतना को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली, इसका कारण एक यह था कि कृष्ण ने सोचा कि दुष्टों का विनाश करने के लिए धरती पर आया हूं, लेकिन स्त्री से ओपनिंग करना ठीक नहीं है, आंखें बंद कर लेता हूं अगर चली जाए तो ठीक हो, आ रही है तो मारना तो पड़ेगा, लेकिन वहां त्रेता युग में भी आया तो ओपनिंग किससे, त्रेता युग में ओपनिंग किससे हुई थी, इतना तो बताएंगे तभी क्लास तो आगे बढ़ेगी। चलिए अच्छा है, हमको आराम करने का समय मिल गया, आप लोग थोड़ा विचार करिए और बताइए। हाँ किसका, ताड़का, वेरी गुड। तो ताड़का का वध किए भगवान बक्सर में, बगल में ना, कितना दूर है यहाँ से? वाह बहुत नजदीक है। तो बक्सर में ताड़का का वध किए और तो इसलिए कृष्ण ने सोचा कि त्रेता युग में भी वहां पे स्त्री से ही ओपनिंग हुई, यहाँ पे भी स्त्री को बार बार मारना ठीक नहीं है, इसलिए कृष्ण को कृष्ण ने ये सोच करके अपनी आंखें बंद कर कि वापस चली जाएगी। दूसरा कारण बताते हुए कृष्ण आचार्यगण कहते हैं कृष्ण ने देख लिया कि पुतना अपने स्तन पर कालकूट नामक जहर लगा करके आई है, अब मुझे पिलाने के लिए आई है, मारने के लिए आई। भगवान ने सोचा कि ये मेरा काम तो दूध दही माखन खाना है, ये विष पीने का कार्य तो महादेव का है, तो आंखें बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगे, महादेव आइए और इसको ग्रहण करिए। वास्तव में आचार्यगण कहते हैं कि वो जहर को फिर बाद में भोलेनाथ ही ग्रहण किए, आया वर्ण ऋषा एव ऋषा वन शिव जी। तो किसी आचार्य ने कहा कि ये पुतना अपनी आंखें बंद, पुतना को देखकर भगवान अपनी आंखें बंद क्यों कर लिए, भगवान ने सोचा कि ये पुतना मुझे बाहर का भोजन खिलाने आ रही है, घर का भोजन तो मेरी माँ बनाती है दूध दही माखन इत्यादि, लेकिन ये पुतना आज कुछ बाहर से लेकर के आ रही है और बाहर खाने से कुछ पेट वेट खराब हो जाता है, हो जाता है ना, तबीयत खराब हो जाता है। तो रोग हो जाता है और बड़ा सा बड़ा रोग अगर दवाई से ठीक ना हो तो योग से ठीक हो जाता है। तो कृष्ण ने सोचा कि थोड़ा आंखें बंद करके कपाल भांति भस्तिका इत्यादि कर लूं, थोड़ा योग कर रहे हैं भगवान। ऐसे आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर भाव दिए हैं, जो भी हो
पूतना जो थी कृष्ण के पास आई, कृष्ण के पास आकर पूतना कृष्ण को वैसे ही समझ नहीं पाई जैसे गांव के चूल्हे में भोजन पकाते हुए उस भोजन पक जाने के बाद किसी अंगारे के ऊपर राख जब जम जाता है ना, लगता है कि अंगारा शांत हो गया, लेकिन जब जब हाथ पड़ता है ना तब पता चलता है कि ये तो अंगारा है। राख से ढके हुए अंगारे के समान पुतना कृष्ण को समझ नहीं पाई। को पुतना को लगा कि ये छोटा सा बालक है, लेकिन ये बालक नहीं, ये तो पुतना का काल है, ये साक्षात विकराल है। पुतना धीरे 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 आगे आगे चलेगा। वह पुतना समझ नहीं पाई और धीरे 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 करके कृष्ण को अपने हाथ में उठा। भगवान जाना नहीं चाह रहे थे, कृष्णा जबरदस्ती पुतना को, पुतना जबरदस्ती कृष्ण को पकड़ करके उठा लिया। जैसे कोई अंगारे को उठा लेता है वैसे ही पुतना ने कृष्ण को उठा लिया। और कृष्ण को अपने हाथ में उठाकर पुतना कृष्ण को अपने स्तन का दूध पिलाने लगा। अपने हाथ में उठा करके पुतना कृष्ण को अपना दूध पिलाने लगी। अब भगवान ने सोचा, अरे मेरा, मैंने तो गीता में कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मैं तो पानी मांगा, फूल मांगा, फल मांगा, जल मांगा, ये तो दूध पिलाने लगी। चलो आइए तो इसकी भी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। उस समय भगवान कृष्ण पुतना का दूध पीने लगे, पुतना का दूध पीने लगे, लेकिन दूध के साथ साथ कृष्ण पुतना के प्राण ही पीने लगे। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने कहा सुबोधनी में कि भगवान श्री कृष्ण ने पुतना के स्तन का प्राण क्या पान क्या किया, पुतना के प्राण को पी गए। पुतना अनेकों बालकों के प्राणों को पी चुकी थी और ये सारे बालकों के प्राण पुतना के अंदर थे। भगवान उस स्तन के माध्यम से पुतना के अंदर जितने बालकों के प्राण थे वे सारे प्राण भगवान ने अपने अंदर ले लिया और सबको साहिल चढ़ा। इस प्रकार धीरे 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 पुतना कृष्ण को अपने स्तन का पान कराने लगी। कृष्ण अपने दोनों हाथों से पुतना के स्तन को पकड़कर पुतना के दूध को पीने लगे। अब धीरे 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 कृष्ण पुतना के प्राण को पीने लगे और जैसे ही प्राण पीने लगे पुतना चिल्लाने लगी, समुंच मुंच अलमिति प्रभासनी निष्पीड़यान अखिल जीव मर्मणि, अरे कृष्ण मुझे छोड़ छोड़ छोड़, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, छोड़ छोड़ छोड़। लेकिन ध्यान रखिए भक्तों, हमारे कृष्ण एक तो हाथ में आसानी से आते नहीं है, रुला मारते हैं, बहुत मेहनत कराते हैं, रोज सुबह मंगला आरती, सोलह माला, चौबीसों एकादशी, बहुत प्रयास। एक तो आसानी से हाथ में आते नहीं है और यदि किसी के हाथ में आ गए तो फिर छोड़ने का नाम नहीं लेते। पुतना चिल्ला रही है समुंच मुंच, समुंच मुंच कृष्ण छोड़ छोड़ छोड़, लेकिन पुतना के प्राण भगवान पी रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पुतना का दूध पिए, पुतना का प्राण पीने लगे। पुतना ने सोचा कि अब कृष्ण मर जाएगा, लेकिन कृष्ण जैसे ही प्राण पीने लगे पुतना का शरीर फटने लगा, पुतना का प्रत्येक अंग में पीड़ा होने लगा। पुतना अपना यह बनावटी शरीर धारण नहीं कर पाए। धीरे 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 वह राक्षसी का शरीर प्रकट होने लगा और वह पुतना कृष्ण को लेकर के उस घर से बाहर निकल गए। कृष्ण को हाथ में लेकर के पुतना दौड़ने लगी और वह बार बार कह रही है समुंच मुंचा छोड़ 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 छोड़। पुतना बार बार कृष्ण को छुड़ाना चाहती है, छोड़ छोड़ समुंच मुंचा, परंतु कृष्ण छोड़ ही नहीं। पुतना के प्राण पीते गए पीते गए पीते गए पीते गए, पुतना दौड़ने लगी और दौड़ते दौड़ते पुतना बगीचे में पहुंच गए और उस समय भगवान ने अपना अंतिम प्रहार किया और जैसे आकाश से कोई पर्वत गिरे वैसे ही पुतना धरती के ऊपर आ गिरी। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो जैसे ही पुतना धराशायी हुई पृथ्वी कांप गई क्योंकि सात कोस का शरीर था पुतना का। सात कोस मतलब 21 किलोमीटर, 84 खंबा के बगल में ही है ना पुतना दाह, उखल बंधन लीला है ना उसके जस्ट सामने रोड के साइड में।
अभी वह उछाल जहां पे पुतना गिरी थी वह उपस्थित है। ब्रजवासियों को लगा आज समय ब्रजपात हो गया है, इतना खतरनाक था। दौड़ कर आया तो देखा 21 किलोमीटर की लंबी चौड़ी राक्षसी और उसके ऊपर भगवान 6 दिन के बालक खेल रहे थे। यशोदा दौड़ कर आई, यशोदा तो मूर्छित हो गई। अन्य ब्रजवासियों ने कृष्ण को वहां से नीचे उतारा, यशोदा के गोद में रखा। लेकिन अब प्रश्न हुआ कि इसका क्या करें, 21 किलोमीटर की चिता कैसे बनाया जाए। सुबह नंद बाबा आए, नंद बाबा ने फिर उसको उसके शरीर को अलग अलग भागों में कट करके छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया और फिर उसको जला दिया। और जब जला रहे थे ना तो उसके शरीर से, उस राक्षसी के शरीर से कहते हैं अगरू की खुशबू आने लगी। कार्य क्या थे उसके याद करो, शिशून निगनंती, बालकों को मार कर काट कर खा जाती थी, खून पीती थी, लेकिन शरीर से सुगंध आने लगी। कैसी सुगंध? अगरू की खुशबू। क्यों? क्योंकि उसने कृष्ण को स्पर्श कर लिया। देखिए, पर तो पुतना को भगवान ने मारा नहीं, तार दिया, तार दिया। नाम है हरि, और हरि के हाथों से भी कोई मरता है ना तो वह मरता नहीं, वह क्या होता है, वैकुंठ चला जाता है। देखिए, अब अगर आप देखें तो पुतना जो थी दुष्टता की चरम सीमा दिखाती है। एक बालक को मारना ये कितनी बड़ी दुष्टता है, कितनी बड़ी कायरता है, और उसमें भी अपने अस्तन में विष लगा करके मारना बहुत बड़ी क्रूरता है। कहते हैं आज तक लोगों ने क्रूरता की थी, दुष्टता की थी, लेकिन इतनी बड़ी दुष्टता क्रूरता किसी ने नहीं दिखाई, सबसे बड़ी। तो भगवान ने सोचा कि पुतना अपनी दुष्टता की सीमा दिखा रही है तो आज मैं अपनी कृपा की सीमा दिखा दूंगा, मैं भी दिखा दूंगा कि पुतना अगर दुष्ट है तो मैं भी करुणा का कितना बड़ा सागर हूं। इस लीला में भगवान ने सबसे श्रेष्ठ कृपा की, सबसे श्रेष्ठ कृपा, इससे बड़ी कृपा आज तक कभी नहीं, सबसे बड़ी कृपा। इस लीला में सबसे बड़ी कृपा भगवान ने की। और इस लीला को सुनकर श्री सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म समाधि में लीन थे, कहते हैं इस लीला को सुनकर सुखदेव गोस्वामी की समाधि टूट गई, मचल गए सुखदेव गोस्वामी इस लीला को याद करके। ब्रज वृंदावन में विदुर जी, उद्धव जी इस लीला को याद करके अपने आंखों से अश्रु बहावते हुए रोने लगे और रोते हुए कहते हैं, यहो बकियम अस्तन काल खोटम जिघान सया ययतपि यशाध्वी लेभे गतिम धा त्रिम उचितान्तदहन्यम कमवा दयालु शरणं ब्रजामि। अभी मेरे पीछे पीछे बोलिए, कमवा दयालु शरणं ब्रजे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहो बकी यम स्तन कालकूट, ये बकी बकासुर की बहन बकी पुतना अपने स्तन पर कालकूट नामक विष लगा कर आई थी। जिघान से क्यों आई थी? कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन उस कृष्ण की कृपा तो देखिए, कृष्ण को जान से मारने आई थी लेकिन कृष्ण ने मारा नहीं। लेभे गतिम धात्री, कृष्ण ने पुतना को मारा नहीं, क्या किया? तार दिया कृष्ण को। कृष्ण ने पुतना को अपने वैकुंठ में भेज दिया और वैकुंठ में भी कृष्ण ने अपना क्या स्थान दे दिया? लेभे गतिम धात्रीम, धात्री मतलब माता का स्थान दे दिया। अब बताइए, इससे इससे बड़ा दयालु कौन हो सकता है? कोई लग रहा है आपको इससे बड़ा दयालु हो सकता है? कोई आपको मारने आए और आप कहें कि आप हमारे संबंधी हैं? ले भी गतिम धात्री, ये गाली दे देता है तो आदमी का दिमाग खटक जाता है। बाहर मिल बताता हूं तेरे को। और ये भगवान का कृपा है। अब बताइए, इनको छोड़ करके और किनके शरण में जाया जाए? कौन है इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति जो हमें इस प्रकार से कृपा कर सकता है? किसी भी व्यक्ति का नाम बताइए। कोई नहीं कर सकता है, नो वन, कोई नहीं कर सकता है। कितनी कृपा। इसीलिए जीवन में अगर भजन करना चाहिए तो किनका करना चाहिए? कृष्ण का। दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन माँ कुछ ऐसी बसी है। दीन दयाल है, तेरे कहाउ आओ कहाउ, अब तेरे ही नाम की फेट कसी है। ए हो मुरारी कहाउ पुकारी, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। कृष्ण के अलावा और कौन है जिसके शरण हम ग्रहण कर सकते हैं? कोई नहीं, कोई नहीं कृपा कर सकता। इस जगत में आप अन्य देवी देवताओं को पहाड़ दे देंगे ना तो कैसे देखते हैं? एक राई के समान, ठीक है रख दो उधर। और कृष्ण को ला करके आपने एक सरसों का दाना दे दिया ना, कृष्ण बोलेंगे अरे बाप रे बाप, इसने तो अपना सब कुछ दे दिया मुझे। ये कृष्ण। सुधा मैंने क्या दिया था? चूड़ा दिया था ना, चार मुट्ठी चूड़ा दिया, तीन मुट्ठी। सोचिए भगवान ने क्या दे दिया उन्हें। ये है कृष्ण, कृष्ण का। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण से कृपालु अधिक और कौन है इस जगत में? और अंत में कहते हैं, या ये तत्पूतना मोक्षम कृष्ण श्यार्भकम अद्भुतम शुणयातु श्रद्धेमर्ते यः गोविंद लभते रतिम। पुतना उद्धार की इस लीला को यदि कोई ध्यान से सुनता है, शृणुयातु श्रद्धेयः मर्ते यः गोविंद लभते रतिम। पुतना उद्धार की इस कथा को सुनने वाला गोविंद के चरणों में प्रेम प्राप्त कर लेता है ना। अब देखना पड़ेगा ये हमें कि पुतना आई थी कितने खराब मतलब इरादे से भगवान को मारने के लिए। अब भी कुछ माता जी लोग प्रश्न करती हैं, प्रभु जी हम लोग भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो क्या भगवान खाते होंगे? तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्या आप जहर लगा करके कृष्ण को दे रहे हैं? हैं? दे रहे हैं? नहीं ना। क्या आप बच्चों को मारते हैं? दो चार थप्पड़ देते होंगे अपने बच्चों को, एक अलग बात है। लेकिन सोचना पड़ेगा, जो कृष्ण को मारने के लिए आई थी, भक्त भी नहीं थी, अभक्त थी, जो राक्षसी थी, जो असुर थी, जिसने अनेकों बच्चों को मारा था, उसने भी केवल कृष्ण का स्पर्श मात्र कर लिया। कृष्ण को कुछ देने की भावना से आई, दूध देने की भावना से आई, वो भी जहर के साथ, चीनी के साथ नहीं, वो दूध देने आई जहर के साथ मिला करके, तो भगवान माता बना दिए। आप सोचिए, अगर दूध में गुड़ मिला करके, मधु मिला करके, चीनी मिला करके भगवान को पिलाएंगे तो भगवान आपको क्या स्थान देंगे? बताइए मुझे, क्या स्थान देंगे? भाव से
क्या स्थान देंगे सोचना चाहिए। तो इस प्रकार से कृष्ण ने यशोदा का पुतना का उद्धार किया। धीरे धीरे कहते हैं कृष्ण का स्टार बर्थडे आया। स्टार बर्थडे मतलब नक्षत्र बर्थडे। कृष्ण का जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ था बताओ बताओ, कल बताया था बताओ, जो बताएगा उसे आज दो प्लेट खीर। बताओ बताओ, हाँ कौन बताया रोहिणी, माता जी लोगों में से आवाज आ किसकी? अरे हाँ ठीक है, सही बता रहे हैं, चिंता नहीं करना है। माता जी को दो प्लेट खीर दीजिएगा। हाँ ठीक है ठीक है, रोहिणी नक्षत्र में तो स्टार बर्थडे आया। यशोदा कृष्ण को लेकर के बाहर निकल गई और बाहर एक बैलगाड़ी के नीचे, उस बैलगाड़ी में बैल नहीं लगे हुए थे, बहुत सारे दूध दही माखन रखे हुए थे, उसके नीचे कृष्ण को कपड़ा बिछा करके सुला दिया। यशोदा गृह कार्य में व्यस्त हो गई। अब कृष्ण की आंखें खुली तो क्रोध आ गया, बोले मैं इतना बड़ा व्यक्ति, ब्रह्मांड का अधिपति, पर ये मुझे बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया। बाल लीला कर रहे प्रभु, और यह भावना उठी, रोने लगे रोने लगे। और आपने देखा होगा रोते रोते बालक अपना पांव फेंकते हैं। तो पांव हिलाते हिलाते भगवान ने उस बैलगाड़ी में मार दिया। अब बैलगाड़ी में एक असुर आकर के बैठ गया था। पूर्व जन्म में सतयुग में हिरण्याक्ष का पुत्र था जिसका नाम था उत्कच। और लोमस ऋषि के अपराध किए तो उत्कच ने लोमस ऋषि ने उसको श्राप दे दिया कि तुम्हें बहुत शरीर में बल होने के कारण ये सब कार्य कर रहे हो, तुम बिना शरीर के हो जाओ। तो यह उत्कच उस दिन से बिना शरीर का ही रहता था। और तो उस दिन से यह उत्कच जो है सो राह देख रहा था। उस बाद में लोमस ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि जब भगवान आएंगे तो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो वही आकर के आज यहाँ पर बैलगाड़ी में बैठा था, नीचे सुला दिया। और जैसे ही भगवान ने लात लगाया तो अब बैलगाड़ी हवा में उड़ गई, है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने उत्कच का, जो बिना शरीर के उस बैलगाड़ी में आकर के बैठा था, अपने छोटे छोटे पांव से उद्धार किया। तो इस प्रकार भगवान बहुत सारी लीलाएं कर रहे हैं, ब्रज में हैं, बहुत सारी लीलाएं कर रहे हैं। वित्रासुर इत्यादि आए, बहुत कोई कोई असुर आया, भगवान ने सबको धीरे 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 करके मुक्त किया, सबका उद्धार किए। अब धीरे धीरे कथा सुनाते सुनाते 5 दिन बीत गए, दशम स्कंद के 7वें अध्याय बीत गया। अब तक भगवान का नाम नहीं ले गया तो सुखदेव गोस्वामी अभी कृष्ण को कृष्ण ही पुकार रहे थे, अभी तक उनका नामकरण नहीं हुआ था। बालक कहते थे, यशोदा नंदन कहते थे, यशोदा पुत्र कहते थे। तो सुखदेव जी ने सोचा कि भाई अब इनका नाम रख दिया जाए, नामकरण संस्कार की लीला बता दी जाए। तो नामकरण पूरा एक अध्याय में वर्णन है। गर्ग ऋषि आए, गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सु महा तपह वरजाम ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। 8वां अध्याय में भगवान के पूरे नामकरण लीला का वर्णन। यदुओं के पुरोहित थे गर्गाचार्य, महातपह बहुत तपस्वी। नंद बाबा के घर पर गर्गाचार्य पधारे हैं, नंद बाबा जो कृष्ण के पिता हैं। बहुत सुंदर गर्गाचार्य का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद कहा कि गर्गाचार्य जी आप आए हैं तो कृपा करिए,
बोले क्या कृपा करें? बोले ये दोनों मेरे बालक का जन्म हुआ है, कई दिन हो गए इसका नामकरण नहीं हुआ है, इनका नामकरण कर दीजिए। अब यही करने के लिए तो आए थे लेकिन डायरेक्टली कह नहीं रहे थे, सुनकर तो अंदर से बहुत खुश हो गए लेकिन बाहर से इनकार करने लगे। गर्गाचार्य ने कहा देखो मैं यदुओं का कुल पुरोहित हूँ, अगर कंस को पता चल गया तो वो ऐसा ना सोच ले कि ये यदुओं का वंशज है। तो वसुदेव ने कहा कि महाराज आप नामकरण कर दीजिए, मेरे घर में कोई नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। गर्गाचार्य ने कहा देखो दीवारों के भी कान होते हैं। कहते महाराज सही बोले आप, इसलिए गौशाला में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? सबसे शुद्ध स्थान घर का कौन सा होता है? गौशाला, गौशाला में चलते हैं। वहाँ कोई दीवार नहीं है, कोई गाय भी नहीं है, कोई मनुष्य भी नहीं है, गौशाला में जाकर के नामकरण करते हैं। गर्गाचार्य नंद बाबा के दो पुत्रों को लेकर के सर्वप्रथम नंद बाबा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र गर्गाचार्य के गोद में रखा। गर्गाचार्य ने बड़े पुत्र का नामकरण करते हुए कहा ये पुत्र अपने गुणों और अपने लीला से सबको क्या करेगा? रमाएगा, सबको आनंदित करेगा, इसलिए इसका नाम होगा क्या? होगा राम। और बालाधिक्यात बलम विदुहु, ये बहुत बलवान होगा। बालाधिक्यात बलम विदुहु, ये बहुत बलवान होगा, इसलिए दूसरा नाम रखता हूँ बल। तो अब इनके दो नाम थे, बल और राम, दोनों सेपरेट थे, मतलब अलग अलग सेपरेट थे, लेकिन हम लोग साथ में बोल देते हैं क्या? बलराम। और तीसरा नाम रखा गया शंकर। तो श्री बलराम जी के बड़े पुत्र का नाम हो गया, नंद बाबा के छोटे पुत्र गर्गाचार्य के गोद में रखा गया। इनका नामकरण कीजिए महाराज, अब इनका क्या नामकरण किया जाए? गजेंद्र जी अपनी स्तुति में कहते हैं कि इनका तो कोई नाम ही नहीं है, इनका कोई रूप ही नहीं है। तो खैर गजेंद्र जी की स्तुति पे आचार्यगण कभी कभी, मतलब जो अच्छे नहीं हैं, वो कहते हैं कि निराकारवाद का प्रस्तुतिकरण, लेकिन महाराज कहते हैं भगवान का नाम है लेकिन भौतिक चीजों से वह संपर्क में नहीं आने वाला है। भगवान का रूप है लेकिन भौतिक चीजों से वो संपर्क में नहीं आने वाला, उसके लिए क्या चाहिए? आध्यात्मिक चाहिए, दिव्य चाहिए। क्योंकि महाराज जैसे ही छोटे पुत्र को गोद में दिए बिठाया तो गर्गाचार्य चमक गए, कहे कि महाराज ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये आपका बालक प्रत्येक युग युग में जन्म लेता है, सतयुग में श्वेत वर्ण का, त्रेता में रक्त वर्ण का, और कलयुग में पीत वर्ण का, और इदानीम कृष्णताम गतः, और इस द्वापर युग में यह श्याम वर्ण का आता है। आपका बालक कोई साधारण नहीं है, इसलिए आप अपने बालक की रक्षा कीजिएगा। तब गर्गाचार्य ने छोटे बालक का नामकरण करते हुआ कि यह बालक सर्वाकर्षक है, आनंद घन है, जितने भी अवतार हुए हैं सब इसी के अवतार हैं, और इस बालक में एकत्र हो गए हैं, अतः आपके बालक का नाम रखता हूं कृष्ण। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। यद्यपि कृष्ण नाम अनित्य है, नित्य है, सृष्टि के प्रारंभ से ये नाम है, जैसे भगवान का प्राकट्य होता है ना, वैसे ही ये नाम का भी प्राकट्य होता है। जैसे त्रेतायुग में प्राकट्य भगवान का कौशल्या के द्वारा, द्वापर युग में देवकी के द्वारा, उसी प्रकार से भगवान के नाम का भी प्राकट्य कभी वशिष्ठ जी के द्वारा, कभी गर्गाचार्य जी के द्वारा। तो इस प्रकार से नाम हुआ, नामकरण होने के बाद धीरे 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 भगवान बड़े होने लगे। देखिए यद्यपि कृष्ण का नाम अनित्य तो है, नित्य है, सृष्टि के प्रारंभ से ही है, लेकिन जैसे भगवान प्राकट्य होते हैं और अप्रकट होते हैं ना, वैसे ही भगवान के नाम भी प्रकट और प्रकट होते हैं। तो गर्गाचार्य जी नाम रख करके चले गए। धीरे धीरे कृष्ण और बलराम बड़े हुए, बड़े होकर के अब अपने पांव पर चलने सीख गए। अनेकों लीला
अनेकों लीला भगवान कर रहे हैं, मन को लुभा रहे हैं। सूरदास जी अनेकों लीलों का वर्णन किए हैं। जब ठंड का समय होता था तो कृष्ण नहाते नहीं थे, मैया यशोदा इनको जबरदस्ती नहलाती थी, ये दौड़कर कहीं और चले जाते थे। कृष्ण को जब दूध पिलाना होता था तो वह पीना नहीं चाहते थे, माखन ही खाया करते थे, तो मैया दूध पिलाती थी जबरदस्ती। कृष्ण ना कहते थे तो मैया कहती थी कि तू दूध पिएगा ना तो तेरी जो ये चोटी है ना, ये शिखा है ना, वो बढ़ जाए। तो चोटी के लोभ में कृष्ण गड़गड़ 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 करके दूध पी जाते। लेकिन फिर तीन दिन दूध पीने के बाद चौथे दिन मिरर के सामने जाते, चोटी को देखते, मैया कहाँ बढ़ी है। हो मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, प्रत्येक लीला सूरदास जी ने अपने भजनों में बहुत सुंदर लिखा है। हमारे पास बहुत समय नहीं है, कभी मौका मिला तो गाएंगे। संक्षिप्त में कह रहा हूँ कि कृष्ण कहते थे मैया ये चोटी कब पड़े, तू तो कहती थी दूध पीने से चोटी बढ़ जाएगा, लगता है तू झूठ बोलती है। चोटी को जब छोटी दिखते तो भगवान रूठते, बोलते थे अब मैं बड़ा होऊंगा ना तो पिताजी के लिए धोती लाऊंगा, तेरे लिए साड़ी नहीं लाऊंगा। कई बार मैया यशोदा कृष्ण को छत पर लेकर जाते, सुलाते सुलाते कृष्ण पूर्ण चंद्र की ओर देखते और कह बैठते, मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए। बोले ये खिलौना नहीं है, अब भगवान के लिए तो खिलौना ही है ना, अब कैसे ला करके दें। तो मैया नीचे से पानी भर के लाती, पानी में भरे हुए परात में वह चंद्र प्रतिबिंब होता, और जब उसमें देखते तो भगवान उसको पकड़ते, और जैसे ही पकड़ते पानी हिलकोरा मारता, चंद्रमा साफ हो जाता, भगवान रोने लगे। तो यह भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, बहुत ही दिव्य लीला है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो इस प्रकार से ये सारी लीलाएं हुआ करती थी। बहुत सारी लीलाएं हैं, हम लोग कुछ कुछ लीलाओं का वर्णन भी करेंगे। अब हाथ डालते तो वह चंद्रमा गायब हो जाता तो भगवान रोने लगते। अब सोचने वाली बात है कि हिरण्याकश्यप को फाड़ने वाला, 21 बार नक्षत्र करने वाला, दो पग में पूरे ब्रह्मांड को नापने वाला भगवान आज बिल्ली की आवाज सुनते ही मैया की गोद में जाकर के छिप जाते हैं। अद्भुत लीला। देवी कुंती ने अपनी स्तुति में कहा है ना कि कृष्ण आपकी अद्भुत लीला है। दुनिया के लोग समझे तो क्या समझे, कैसे समझे। सतयुग में नरसिंह अवतार धारण किया, हिरण्यकश्यप को फाड़ दिए, परशुराम अवतार धारण किए, 21 बार नक्षत्र कर दिए, वामन अवतार धारण किए, पूरे पग को, पूरे ब्रह्मांड को दो पग में नाप लिया, तब जाकर जगत के लोगों को विश्वास होता है कि आप भगवान हैं। तब तक तो आप दूसरी लीला करते हैं कि बिल्ली के डर से यशोदा के गोद में छिप जाते हैं, अब कैसे कहे कि आप भगवान हैं, बताइए। अद्भुत विडंबना है, आपकी लीला अत्यंत विडंबना है। इन लीलाओं में साख्य लीला बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं एक दिन की घटना का वर्णन। एकदा किर क्या कर रहा है, एकदा कृणमान हते तेरामाद्य गोपदार कहा कृष्णम मृदम भक्षित्वान इति मात्रे निवेद्यन्।
एक दिन क्रीड़मान हते। अब कृष्ण चलने लगे और चलते हुए बहुत लीला होती है। एक बार कृष्ण और बलराम घर के बाहर तो नहीं घर के प्रांगण में ही कुछ बछड़ों को बांधा होता था, तो ये लोग बछड़े को क्या करते थे, खोल देते थे और उनके बछड़े के पूछ पकड़ देते। जैसे ही बछड़े के पूछ पकड़ते तो बछड़ा दौड़ने लगता है। ये दोनों घसीटते हुए बछड़े के पीछे चिल्लाने लगते, दौड़ बचाओ बचाओ बचाओ। बछड़ा दौड़ता और ये घसीटाते। थोड़े से बड़े हुए, खेलने लगे खेलने लगे खेलने लगे। बलराम और अन्य सखा यमुना के तट पर ब्रह्मांड घाट पर खेल रहे थे। अब जानते हैं ब्रह्मांड घाट आप लोग गए, कौन लोग गए? बस अरे बड़ा कम लोग गए यहाँ से, सबको लेके क्यों नहीं जाते? राम श्याम प्रभु का पीछा पकड़िए, प्रभु जी आप लोगों को लेकर के जाएंगे वृंदावन। जाइए, जाना चाहिए। पांव का यूज क्या है? क्या पांव का यूज है? खड़ा होने के लिए हैं? नहीं, पांव का यूज क्या है? भगवान का धाम जाने के लिए, है ना? अब यमुना के तट पर ब्रह्मांड घाट पे ये दोनों खेल रहे थे, ब्रह्मांड घाट पर गोकुल महावन में। और खेल हो रहा था, टीम होती थी, दो पक्ष होते थे और जो पक्ष हार जाती थी उसे घोड़ा बनना पड़ता था, और जीतने वाला पक्ष जो होता था उसको उसके पीठ पर बिठा करके घुमाया करते थे। और दोनों टीम में एक एक कैप्टन होते थे। तो एक दिन कृष्ण का पक्ष हार गया। जब कृष्ण का पक्ष हार गया तो कृष्ण के पक्ष के सब लोग घोड़ा बन गए और अन्य बालक जो जीत गए हुए थे वह उन पर बैठ गए, लेकिन कृष्ण घोड़ा नहीं बने। बालकों ने कहा कृष्ण घोड़ा बनो, तुम्हारा पक्ष हार गया है। कहा नहीं, मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। बोले तुम हार गए हो? बोले हार गया तो क्या हुआ, राजा का बेटा हूं, घोड़ा नहीं बनूंगा। राजा का बेटा घोड़ा बनता नहीं, घोड़े के ऊपर बैठता है। बोले नहीं बनो। बोले नहीं बनूंगा। सखाओं ने कहा कि यदि घोड़ा नहीं बनोगे तो आज के बाद हमारे साथ खेलना मत। सब लोग कृष्ण को छोड़कर कहीं दूर जाकर खेलने लगे। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, अकेले खेलूंगा। अब नदी के किनारे कोई बालक अकेला क्या खेलेगा, बताइए क्या खेलेगा? कंकड़ पत्थर और मट्टी के साथ खेलने लगा। और उस समय कृष्ण मट्टी से पर्वत बनाने लगे और ना जाने क्या क्या बनाने लगे। और इनका मूड हुआ तो उसी मट्टी को उठा करके थोड़ा मुंह में भी डाल दिया, वही मट्टी खाने लगे। बलराम आदि सखाओं ने कृष्ण को माटी खाते हुए देखा, दौड़ करके कृष्ण, कृष्ण क्या कर रहे हो, माटी मत खाओ। कृष्ण ने कहा तुम तुम्हारा खेल खेलो, मैं मेरा खेल खेलता हूँ। मैंने तुमको रोका है नहीं ना? तुम लोग सब खेल रहे हो उधर, मैंने एक बार भी मना किया कि तुम ये मत करो वो मत करो, मुझे क्यों मना कर रहे हो तुम लोग? जाओ खेलो। बोले तुम बीमार हो जाओगे। बोले जो भी हो तुम्हें मतलब, तुम अपना खेल खेलो, मैं अपना खेल खेल रहा हूँ। बोले देखो माटी खाओगे तो मैया से शिकायत करो, कर दो। मैं कोई मैया वैया से नहीं रहता, जा करके। बलराम जी डर दौड़ करके घर पे गए और कहा मैया मैया कृष्ण ने माटी खा रहा है, तुम उसे रोको, उसके पेट में नहीं तो रोग हो जाएगा। बलराम जी शिकायत अद्भुत ब्रजभाषा में की है, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे बहुत सुंदर भजन है। नहीं है ना, समझ रहे? बहुत अच्छा अच्छा भजन है। थोड़ा सा दो दो मिनट के लिए गाएंगे और भी। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। यशोदा सुन माई, तेरे छूना ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। अब ज्यादा गाएंगे फिर चर्चा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा।
तो यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई, हाथ में छड़ी लेकर दौड़ते हुए यशोदा आई। आज तुम इसको छोड़ोगे नहीं, क्योंकि प्रभु अब थोड़े नटखट हो गए थे, थोड़े बहुत इधर उधर गड़बड़ सड़बड़ कुछ कुछ कर रहे थे, आगे बैठ के गप नहीं कर सकते हैं सूत देवी माता जी। तो बोले आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, बहुत नटखट हो गया है, आज नहीं छोड़ूंगी। कृष्ण ने देखा मैया आ रही है, जल्दी 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 मैया के डर से मुंह में लार बनाने लगे और जल्दी जल्दी माटी को खाने लगे, है ना। करते हैं ना कभी कभी चोरी करके कुछ खाया है चोरी करके खाया है तो समय होता है तो जल्दी जल्दी हम लोग चाहते कि पार हो जाए, आज नहीं छोड़ोगे। जल्दी जल्दी कृष्ण माटी को खाने लगे, छोटा सा मुख सारी माटी कृष्ण एक साथ खा लेंगे, लेकिन खा नहीं पाए। तब तक मैया पहुंची हो, कृष्ण ने कहा तूने माटी खाई है, अब थी माटी तो कैसे बोले कि हाँ या नहीं, मुंह खुल जाएगा, बोले नहीं खाया हूं इशारा करके बोले और धीरे धीरे करके खाने लगे। कहने लगे सच बोल कृष्ण, माटी खाई है। सुखदेव जी कहते हैं ना हम भक्षित्वान अम्बे, हे अम्ब हे अम्ब हे माँ, अहम ना भक्षित्वान, मैंने माटी नहीं खाई है। यशोदा ने कहा क्या तेरे सारे मित्र झूठ बोल रहे हैं। कृष्ण ने कहा सर्वे मिथ्या अभिसंसिनः, हे माते ये सब लोग जो बैठे हुए हैं मेरे मित्र लोग, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। यशोदा कहते हैं अच्छा ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये तेरा बड़ा भाई दाऊ जी भी झूठ बोल सकता है क्या? बोले ये तो केवल नाम का बड़ा है, सबसे अधिक मुझे कोई कष्ट देता है इन लोगों में ना तो यही बलराम। कृष्ण अपनी मैया को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, माटी की बात भुलवा रहे हैं और अलग ही ट्रैक पर चढ़ा रहे हैं। बोले कहती है ना तू ये बड़ा है, ये बड़ा नहीं, ये सबसे बड़ा सिर दर्द है मेरा। मैया मैया ये दाऊ ना बहुत परेशान करता है मुझे, कहते हैं कि नंद गोरे यशोदा गोरे तू काला कलूटा कहां से आ गया रे, तेरी बाप गोरी तेरी माँ गोरी तू काला, तू नंद और यशोदा का बेटा तो है ही नहीं, तुझे नंद और यशोदा कहीं से खरीद के लाए? मैया सच सच बता क्या मैं तेरा बेटा नहीं, ट्रैक चेंज करा रहे तुम लोग मुझे कहीं से खरीद के लाए? इतना सुनकर तो मैया कृष्ण को अपने बाहों में आंचल में भर लेती, और बात भी सत्य था, बार बार कृष्ण को लोग चिढ़ाते थे, गोपियां भी चिढ़ाते थे, जब भी मिलते तो कहते थे तू तो इतना बता दे कान्हा, तू तो इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, काला हो कर भी काला हो कर भी जग से निराला क्यों, काला हो कर भी जग से निराला क्यों, काला हो कर भी जग से निराला क्यों, तो इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। ये सभी गोपियां कृष्ण को कहती है कृष्ण कृष्ण तू इतना काला क्यों है, हरी 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 बोल, तू 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 इतना काला क्यों है। तो उसमें कृष्ण अनेकों बहाने बनाते थे, अनेकों बहाने, आइए सुनते हैं क्या कहते थे।
देखो यहाँ पे भी दो पंक्ति बना सकते हैं, दो पक्ष बना सकते हैं, जो कृष्ण के पक्ष में है वो कृष्ण की पंक्ति दोहराएं और जो गोपियों के पक्ष में है गोपियों की पंक्ति दोहराएं। तो जब गोपियां ये पूछती तो कृष्ण कहते हैं, मैंने काली रात को जन्म लियो, 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 और काली गाय का दूध पियो, और काली गाय का दूध पियो। कृष्ण कहते हैं मैंने काली रात को जन्म लिया, अंधेरे रात में, रात को 12 बजे मेरा जन्म हुआ ना, इसीलिए थोड़ा सा काला हूं, बाकी मैं गोरा हूं। कृष्ण कहते हैं काली रात का जन्म लिया और क्या करूं, मेरी माँ ना मुझे काली गाय का ही दूध पिला दिया। गोपियों ने कहा झूठा, काली गाय का दूध पीने से कोई काला बन गया? तब कृष्ण कहते हैं देखो मैं सत्य कह रहा हूं, मैं काला हूं नहीं, लेकिन मेरे कंधे पे जो ये ब्लैंकेट क्या कहते हैं स्टॉल ना, चुन्नी ये जो रखी रहती है ना, इसका रंग काला है ना, तो उसकी परछाई मेरे ऊपर पड़ रही है ना, इसलिए मैं काला प्रतिबिंब इसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। मैंने काली रात को जन्म लियो, मैंने काली रात को जन्म लियो, और काली गाय का दूध पियो, और काली गाय का दूध पियो। मेरे कमली का रंग काला, मेरी कमली का रंग काला, इसलिए काला हूँ। तो इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। गोपियां कहती है तू झूठ बोल रहा है, ये कंधे के दुपट्टे का रंग काले होने से थोड़ी ना कोई काला लगता है। तब कृष्ण को और बहाना देते हैं, बोले देखो मैं काला नहीं हूं, लेकिन ये कालिया नाग बहुत परेशान कर रहा था ना, और कालिया नाग के परेशान के कारण मैंने कालिया नाग का दाह में दमन कर लिया, कूद पड़ा, और क्या है घर पे नल भी नहीं है, सप्लाई वाटर आता नहीं है, रोज स्नान करने के लिए यमुना में, और यमुना का रंग कैसा है, काला है, इसीलिए वो यमुना के रंग का असर थोड़ा काला शेड हो गया, बाकी में गोरा है। मैंने काली दा पर कूद लियो, मैंने काली दा पर कूद लियो, मैं काली दा पर कूद लियो, मैंने काली दा पर कूद लियो, और काली नाग का नाथ लियो, और काली नाग को नाथ लियो, और काली नाग को नाथ लियो, और काली नाग को नाथ लियो। मैंने फन फन पे नृत्य कियो, इसलिए काला हूँ, मैंने फन फन पे नृत्य कियो, इसलिए काला हूँ। तू तो इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दो कान्हा तेरा रंग काला क्यों। जब इतने कृष्ण इतने तर्क दिए, इतने बहाने देने लगे कि मेरी काली रात में जन्म हुई, काली गाय का दूध पिया, यमुना में कूद पड़ा, इसलिए काला हूं, गोपियां मानने के लिए तैयार, बोले ऐसा नहीं होता। तब कृष्ण को क्रोध आ गया, सारी मैं काली नहीं, मैं काला नहीं हूं, तेरी मटकी काली है, तू घूंघट टांगती है तो तेरी चुंदरी काली है, काले कपड़े से तू मुझे देखती है इसलिए मैं काला दिख रहा हूं। तब
तभी कहते नहीं झूठ बोल रहा है। कृष्ण कहते हैं तेरा मन ही काला है इसलिए मैं काला लग रहा हूं। तेरी गोरस मटकी काली है, 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 और तू यति मन की 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 काली है, तेरी चुंदरी का रंग काला इसलिए काला हूँ, तेरी चुंदरी का रंग काला इसलिए काला हूँ। तू तो इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, ना बता दो कान्हा तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दो कान्हा तेरा रंग काला क्यों। कृष्ण बहुत सारे कारण दे रहे हैं लेकिन गोपियां माने नहीं। कृष्ण अंतिम में वास्तविक कारण बता रहे जो हृदय को छू जाता है। कृष्ण कहते देखो देखो सत्य कहूं ना मेरे काले होरन का कारण क्या है। बोले क्या, बोले तुम लोग काल तुम लोग हो यह कारण। एक्सपेरिमेंट करने से पहले कर लीजिए क्या चर्चा कर रहे थे। हाँ मेरे काले होने का कारण तुम लोग हो। बोले क्यों, मैं अपने घर से तो गोरा ही निकलता हूँ लेकिन तुम लोग अपने आंखों पे काजल लगाती हो ना, और जब मेरे सामने आती हो तो निरंतर देखते रहती हो, मेरी आंखों में बिठा भी ले अपनी आंखों में बिठा भी लेती हो और घंटों बाद में अपने आंखों से मुझे निकालती हो ना, तो तेरे काजल का रंग मेरे ऊपर लग गया इसीलिए मैं काला हूं। सखी नैनों में कजरा लगाती है, 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 और नैनों में मुझको बसाती 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 है। तेरे कजरे का रंग काला, तेरे कजरे का रंग काला इसलिए काला हूँ, तेरे कजरे का रंग काला इसलिए काला हूँ। तू तो इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, तू तो इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। काला होकर भी जग से निराला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। तो इस प्रकार से भगवान बहुत सारे बहाना देते हैं। तो यशोदा आई थी कृष्ण को डांटने के लिए लेकिन कृष्ण ने यशोदा को दाव में उलझा दिया। यशोदा ने कहा दाव को बलराम को तो मैं बाद में देख लूंगी, तू पहले ये बता तूने मांटी खाई है या नहीं, अब ट्रैक चेंज ही नहीं हुआ। यशोदा भूलने वाली नहीं था, नहीं थी। कृष्ण का मैया मांटी मैंने नहीं खाई है, और मैया अगर मेरे बातों पर विश्वास ना हो यदि सत्य गिरी तरहि समक्षम पश्यमे मुखम, यदि सत्य गिरह तरहि समक्षम पश्यमे मुखम, यदि मेरी बातें तुम्हें असत्य लगती है तो पश्यमे मुखम, पश्य मतलब देखना, मे मुखम मतलब मेरे मुख में आप क्या कर लो देख लो। अब कृष्ण को लगा कि अगर ऐसा कह दूंगा कि मेरी बात मेरे मुंह में देख लो तो लगेगा कि नहीं देखेंगे, समझ रहे हैं होता है ना कभी कभी लोग देख लो हम थोड़ी कुछ लिए देख लो,
रहता है, लेकिन हमें लगता है कि अगर कह देंगे तो उन्हें विश्वास हो जाए शायद, है ना। तो ऐसा हमें लगता है। कहा अगर तुम्हें मेरी बात असत्य लग रही है तो देख लो। कृष्ण जैसे ही मुख, कृष्ण ने कहा ठीक है खोल, अब तो फंस गए। यशोदा ने कहा खोल 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 देखना चाहती हूँ। अब तो कृष्ण फंस गए। अब कृष्ण जैसे ही अपना मुख खोला, कृष्ण कहते हैं, कृष्ण यशोदा मैया को करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन कराया, और उस करोड़ों में एक ब्रह्मांड, और उस एक ब्रह्मांड में एशिया खंड, और एशिया खंड में भारतवर्ष, भारतवर्ष में ब्रज, ब्रज वृंदावन गोकुल, और गोकुल में कृष्ण और यशोदा का दर्शन यशोदा मैया ने किया। ब्रह्मांड लीला दर्शन की, ब्रह्मांड लीला दर्शन की। तो यशोदा अपना ही दर्शन उनके कृष्ण के मुख में की। आई थी कृष्ण को डांटने के लिए, लेकिन ये देखकर मूर्छित होकर के गिर गई। कृष्ण ने पानी छीट करके जगाया, यमुना से जल ला करके छिड़का, ये क्या हो गया। तो कृष्ण को लेकर के घर पे चली गई। श्री कृष्ण श्रीधर स्वामी इस लीला को याद करते हुए कहते हैं, भगवान ने पिछले अध्याय में ब्रह्मांड दर्शन लीला को दिखलाया था। चलो यह बात आई है तो आपको यह बता दूं, क्योंकि यह प्रश्न तो सबके मन में खड़ा होता है कि कृष्ण सत्यम परम धीमहि तु होकर भी झूठ क्यों बोले। सत्यम व्रतम त्रिशत, सत्यम व्रत है ना भगवान का श्लोक, क्या था, सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिशत्यम सत्यस्य योनि नितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम तुम शरणम प्रपन्न। जिनका सब कुछ सत्य है, शरीर वचन व्रत, वह भगवान झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो बोलते वह झूठ नहीं बोले, माटी तो कृष्ण ने खाई थी, फिर ऐसा क्यों बोले। बोले नाहम भक्षित्वानम, थोड़ी अब तत्व की बात है, थोड़ा समझिएगा, लीला तो हुई, थोड़ा तत्व भी सुनना जरूरी है। हेमा अहम ना भक्षितवान, मैंने माटी नहीं खाई, ऐसा क्यों कहा। उभिगा सर्वे मिथ्या अभिसंसिनः, सब लोग मिथ्या बोल रहे हैं। और आगे भी माखन लीला की चोरी में भगवान बोलेंगे कि मैंने माखन नहीं खाया, इसका कारण क्या है। देखिए आज तक भगवान कभी झूठ बोले ही नहीं। सबसे पहली बात, कृष्ण को जो कृष्ण जो बोलते हैं वही सत्य है, वही धर्म है, सबसे पहली बात तो यही है। फिर ऐसा क्यों बोले कि ना हम भक्षितवान अम्बा, हे अम्बा हे माँ, हमने माटी नहीं खाई। जब यशोदा ने कहा कि तुमने माटी खाई है, तो भाव यह था कृष्ण का कि मैंने अकेले ने माटी नहीं खाई है, माटी तो तुमने भी खाई है, और ये शिकायत करने वाला दाऊ ने खाया है, ये सब बच्चों ने भी माटी खाई है। अरे केवल इसी ब्रह्मांड में नहीं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीवों ने माटी ही खाई है, क्योंकि यन्न भी एक माटी का ही रूपांतरण है कि नहीं। और भगवान अपने भक्तों को अत्यंत सुंदर लीला, दिव्य लीला, ब्रह्मांड दर्शन लीला भी कराया। इस प्रकार सुंदर लीला है। आगे दामोदर लीला का वर्णन है, जो भक्तों को परम आनंद देने वाली है, विशेष वैष्णव जगत के लिए सबसे श्रेष्ठ लीला, उखल बंधन लीला, अद्भुत लीला। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जब भागवत के मर्मज्ञ, भागवत को जानने वाले, भागवत कथा सुनते हैं ना अथवा सुनाते हैं ना, तो सुनाते सुनाते जब इस कथा में पहुंचते हैं तो वे रुक जाते हैं। रुक जाते हैं मतलब समझ रहे हैं, स्थिर हो जाते हैं, और महीनों तक, सालों तक केवल और केवल दामोदर लीला का ही वर्णन करते रहते हैं, क्योंकि इस लीला में कृष्णम दामना बबंधत था, पूरी दुनिया को माया के द्वारा नचाने वाले भगवान श्री कृष्ण को एक गोपी ने बांध दिया था। जो अपने इशारे से केवल मनुष्य को ही नहीं, सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र देवी देवता सबको नचाते हैं, आप लोग तो जानते हैं, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब नृत्य, यारे आछे तारे करे नृत्य,
चेतन चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि इस दुनिया का केवल एक ही ईश्वर है और वह कौन है, बाद बाकी सब कठपुतली, पपेट होता है ना कठपुतली, बस कृष्ण जिस प्रकार से चाहे इस संसार के जीवों को नचाते हैं, जिस प्रकार से, लेकिन सबको नचाने वाले उस कृष्ण को इस लीला में यशोदा ने क्या किया, बांध दिया। अद्भुत कथा है इस अध्याय में, एक भक्त के द्वारा भगवान उनके बस में हो गए, यद्यपि ये किसी के बस में होने वाले नहीं है, है ना, बहुत चंचल है, परंतु भक्ति के द्वारा कृष्ण को अपने वश में किया जा सकता है, इसका वर्णन इस अध्याय में आएगा। अब मानो हमारे मन में प्रश्न हो, भगवान ने ऐसी लीला क्यों की? अब हम लोग धीरे धीरे करके दामोदर लीला में प्रवेश करेंगे, है ना। अब मानो अगर हमारे मन में यह प्रश्न हो कि भाई भगवान ने यह लीला क्यों की, तब अपने आचार्य, अनेक आचार्य अपना मत देते हैं। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य हिज डिवाइन हिज होलीनेस श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं, एक बार भगवान ने अपने धाम में बैठे बैठे सोचा कि पूरी दुनिया को मैं बांध करके रखा हूं, सब लोग मेरे बंधन में बंधे हैं, मेरे इशारे से नाचते हैं, कोई मुझे भी बांधे बांधने वाला होना चाहिए, सब लोग मेरे इशारे से नाचते हैं, किसी के इशारे से मैं भी नाचना हूं, मतलब कोई ऐसा भी होना चाहिए जिसके इशारे से मैं नाचूं। अब इसमें क्या कष्ट होता है, क्या रस होता है, मुझे भी इसका एहसास होना चाहिए। कृष्ण को लोभ हो गया कि किस प्रकार व्यक्ति बंधन में रहता है, अतः भगवान ने यह लीला की। दूसरा कारण वात्सल्य रस के उपासक श्रीपाद वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने भागवत के ऊपर बहुत टीकाएं की रचना की, बहुत बड़ी टीका की रचना की, जिसका नाम है सुबोधिनी, वल्लभाचार्य सुबोधिनी, वल्लभाचार्य सुबोधिनी में लिखते हैं कि कृष्ण दामोदर लीला क्यों किए, कहते कि इस संसार में जगत के लोग शास्त्र पढ़ते हैं और भगवान को पाने के लिए किसका सहारा लेते हैं, शास्त्र का सहारा लेते हैं, जब से ये जगत बना है तब से ये शास्त्र है और भगवान को पाने के लिए शास्त्र का सहारा लेते हैं, लेकिन शास्त्र में वर्णित कर्म कांड पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि में फंस कर भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि यज्ञ करूंगा तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, ये पूजा करूंगा तो मुझे ये वस्तु, ये करूंगा तो फलाने वस्तु मिल जाएगी। वल्लभाचार्य कहते हैं लेकिन समस्त शास्त्रों का सार है हरेर भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, और इस बात को साबित मात्र इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने किया, इसीलिए उनका नाम एक नाम हुआ है भक्ति वेदांत, जो वेदों का अंत बता दिए, क्या बताए, क्या बताए, वेदों का अंत क्या है, भक्ति, किसकी भक्ति, कृष्ण की भक्ति। तो यह प्रतिस्थापित कर दिया पूरे जगत में, अनेकों प्रमाण अनेकों शास्त्र के सिद्धांत स्थापित कर दिया, वेदों का अंत भक्ति है, इसलिए उनका नाम भक्ति वेदांत पड़ गया। तो शास्त्र का सार भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, इस बात को साबित करने के लिए भगवान ने ये दामोदर लीला किया, ऐसा वल्लभाचार्य जी कहते हैं। तत्पश्चात तीसरा कारण, बहुत सारे कारण हैं भगवान ने दामोदर लीला क्यों किया, मैं दो चार कारण बताऊंगा। वल्लभाचार्य जी कहते हैं इस लीला के द्वारा एक भक्त का मन, अब आप चार दिन देखिएगा क्या आनंद है, एक भक्त का मन पूर्ण रूप से भगवान में लग जाएगा। यदि इस लीला को कोई भक्त ध्यान से सुने तो वह इस कुंठित जगत को भूल जाएगा, और मैं आशा करता हूं कि आप चार दिन तक तो आपको इस जगत की याद नहीं आने वाली है, ऐसे भी नहीं आ रही होगी, दसवें स्कंद में प्रवेश करने के बाद बंद हो जाती है।
और साथ ही साथ संसार को भूल करके अपने समस्त इंद्रियों को वह क्या करता है, भगवान में लगा देता है। और जब ये भक्त संसार को भूलकर अपने इंद्रियों को भगवान में लगा देता है तो भगवान भी अपनी सारी इंद्रियां उस भक्त पे लगा देंगे, ये वल्लभाचार्य जी कहते हैं। तब आचार्य ने प्रश्न उठाया कि हो सकता है कि इस लीला को सुनकर एक भक्त कुंठित संसार को भूल जाए, लेकिन भगवान पूरे जगत को भूलकर उस भक्त के ऊपर अपनी सारी इंद्रियां कैसे लगा सकते हैं, वह तो पूर्ण है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान तो पूर्ण है। तब कहते हैं भगवान में ऐसी क्षमता है कि वे एक साथ अनेकों कार्य कर सकते हैं। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी, भगवान में ऐसा गुण है कि वह एक साथ अनेकों कार्य कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं। भगवान में एक साथ दो विरुद्ध समझ रहे हैं, मतलब परस्पर विरोधी कार्य करने की क्षमता है। दो ही नहीं, बहुत सारे। तो उस तत्व को दिखाने के लिए भगवान ने यह लीला की। दो धर्म, भगवान स्वतंत्र भी हैं और भगवान परतंत्र भी हैं। एक साथ दोनों कैसे हुए ये दिखाने के लिए भगवान ने दामोदर लीला प्रस्तुत किया। देखा जाए तो इस जगत का स्वतंत्र स्वामी ईश्वर हूं, परंतु इसी के साथ साथ देखा जाए तो मैं अपने भक्तों के बस में भी बंधा हुआ हूं, मुझे कोई भी प्रेम से बांध सकता है। चौथा कारण बताते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं, ध्यान दीजिए, भगवान ने पिछले अध्याय में कृष्ण ने अपने मुख में अपनी माँ को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। कौन से अध्याय में? अध्याय आठ। और नौवें अध्याय में उखल बंधन लीला। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले अध्याय आठवें अध्याय में उखल ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख में कराया, तो हो सकता है कि कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करके कृष्ण के प्रति यशोदा का ऐश्वर्य भाव उदित हो जाए कि अरे बाप रे बाप, मैं जिसको लाला मानती थी वो तो मेरा बाप निकला, वो तो भगवान निकला, मानो ऐसा कह सकते हैं। तो उस फिर तो लीला में आनंद नहीं आएगी, तो उसको खंडित करने के लिए भगवान बंध गए कि मैं कोई भगवान नहीं, मैं तो तेरा लाला। सो नहीं स्वाद ब्रह्म स्तुति में, ऐसो ब्रज की मीठी गाली। रजवासियों की गाली में उनके कान पकड़ने में जो आनंद है, उतना आनंद ब्रह्म स्तुति में भी नहीं है। एक तरफ गोविंदम आदिम पुरुषम चले और एक तरफ भगवान के सखाए अगर गारे दे सारे, तू तो बहुत बदमाश है, तो भगवान उधर कान लगा देंगे। तो यदि माँ मुझे भगवान मानने लगी तो मेरा लालन पालन कैसे करेगी? और चिंता हो गई थी ना, इसलिए तो चिंता हरण घाट पे जा करके यशोदा देवी बैठी थी। फिर लेकिन भूल गई और बोले क्या क्या कचड़ा मेरे लाला के मुख में आ गया, निकाल दीजिए इसको, प्रार्थना करने लगी है ना। तो यदि माँ मुझे भगवान मानने लगेगी तो मेरा लालन पालन कैसे करेगी? मैं तो चाहता हूँ कि मेरी माँ क्या करे, मेरे लालन करे, मेरा पालन करे। माता जदि पुत्र भवे करे ना पालन। चैतन्य महाप्रभु कहे ना कि पूरे संसार के लोग क्या बने, मेरी माता और मैं उनका पुत्र बनूं और मेरा पालन करें। गुजरात के भक्त गाते भी है ना, यमुना जल मां केसर घोरी स्नान कराओ श्याम ला, यमुना जल मां केसर घोरी स्नान कराओ श्याम ला, हल्के हाथों अंगो चोली लाड़ लगाओ श्याम ला, हल्के हाथों अंगो चोली लाड़ लड़ाओ श्याम। पूरा नहीं गाऊंगा, थोड़ा सा खाली ट्रेलर देके छोड़ दे रहा हूं। बहुत अच्छा भजन है।
भगवान को बहुत पसंद है कि उनको कोई स्नान कराए, कोई नहलाए, लाड़ लगाए। तो यदि मेरी माँ मुझको भगवान मानने लगेगी तो मेरी सेवा नहीं हो पाएगा। अतः पूर्व अध्याय में जो भगवान ने अपना मुख में ब्रह्मांड लीला किया ना, उस ब्रह्मांड को दिखाने के बाद कहीं यशोदा के मन में ऐश्वर्य भाव उदित ना हो जाए, इसलिए भगवान यशोदा के हाथ में बंद गए। अरे मैया, मैं भगवान नहीं, मैं तो साधारण सा लाला हूं तेरा। तत्पश्चात पांचवा कारण, कारण सुनना है कि प्रवेश करना है डायरेक्ट। पांचवा कारण, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त वत्सता बताने चाहते हैं कि भक्ति के द्वारा कुछ भी किया जा सकता, भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में किया जा सकता है। यद्यपि भगवान किसी के वश में होने वाले है नहीं, लेकिन भक्ति के द्वारा भगवान को भी बांधा जा सकता है। अतः भगवान ने दामोदर लीला किया, ठीक है। ठीक है, तो दामोदर लीला इस प्रकार से शुरू होती है। गोकुल में रहते हुए सबको मन के हरने वाले भगवान बहुत सारी मनोहर लीला किया करते हैं। माखन चोरी की लीला उसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कृष्ण ब्रज में माखन चुराए, यद्यपि नंद बाबा के यहाँ माखन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये भगवान की लीला है। भगवान जब बड़े हुए ना, लगभग 3 साल और 9 महीने के, लगभग 4वें साल, भगवान जैसे चलना सीखे तो उत्पात मचाना शुरू कर दिए। अब उत्पात क्या, ऐसे गोपियों की इच्छा थी कि लाला हमारे घर पे भी आए और माखन खाए, ऐसी इच्छा थी भगवान गोपियों की। गोपियां जाती थी तो कृष्ण को देखती थी कि यशोदा देवी उनको माखन खिला रही है, तो बड़ा इच्छा होता था कि कृष्ण माखन खाए। अब कृष्ण सबके घर पर जा जा के मांग के माखन खाए तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा। कृष्ण ने प्लान बनाया कि चोरी करूंगा। पहले दिन चोरी करने के लिए निकले, एक गोपी के घर पे पहुंचे। गुरु महाराज वर्णन करते हैं कि अब जैसे ही पहुंचे, माखन लिया, माखन खाना शुरू किया। माखन खा रहे थे तो सामने पिलर में मिरर लगा हुआ था। खा रहे थे तो माथा उठा करके देखते हैं तो सामने भी एक लड़का खा रहा है। अब भगवान बड़ा अफसोस करने लगा, क्या कहते हैं, उससे बात करने लगे। अब जब भगवान वो पिलर की ओर चले तो जो भगवान भी खा रहा था, अब हम खा रहे तो हमारा प्रतिबिंब भी खा रहा है, तो जैसे ही खड़ा हुए वो लड़का भी खड़ा हो गया, पिलर भी खड़ा, पिलर में बच्चा खड़ा। भगवान सोचे, अरे ये तो बड़ा खतरनाक बच्चा है। भगवान आगे बढ़े तो वो भी आगे बढ़े। भगवान उसके पास निकट पहुंचे। भगवान बोलते हैं, देखो मित्र, मैं चोर नहीं हूँ, सच कहता हूँ। जीवन में प्रथम बार चोरी करने के लिए निकला हूँ, लेकिन मेरा जतरा सही नहीं रहा, मैं पकड़ा गया। लेकिन तुम बुरा नहीं मानना, तुम हल्ला नहीं करना, तुमको चाहिए तो थोड़ा माखन ले लो। तो भगवान अपने हाथ से माखन निकाल के देते हैं, उनको देते हैं तो उधर से भी देता है। अच्छा, तुम्हारे पास भी माखन है, और दोनों हाथ से देते तो दोनों हाथ से वो भी निकाल के दे रहे हैं। हे भगवान, फंस गया मैं, पहली बार चोरी करने के लिए निकला और पकड़ा गया। समझ रहे हैं मित्र, तुम हल्ला नहीं करना, तुमको चाहिए तो मटकी ही ले लो। भगवान मटकी दे रहे हैं तो वो भी मटकी दे रहे हैं। बहुत भगवान ने मनाया, नहीं माने, बोले सारे सारे जाओ, कह दो मैं नहीं डरता किसी से, जाओ जाके कह दो। समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद धीरे धीरे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, बोले आज कुछ नहीं हुआ तो कल क्या होगा। समझ रहे हैं ना, होता है ना, एक बार गलती करिए और नहीं पकड़ा गए तो कॉन्फिडेंस जो होता है सो हाई हो जाता है, तब तो उत्पात मचाने लगे। तो सुखदेव जी श्लोकों में वर्णन करते हैं और इसको सुरदास जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। गोपियां परेशान होकर के कृष्ण के पास जाती हैं। सुखदेव जी इस लीला का वर्णन 2 श्लोकों में करते हैं और ब्रज के संत भी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। अपनो गाँव लेव नंद रानी, अपनो गाँव लेव नंद रानी, Thank you.
रानी अपनो गाँव लेव नंद रानी अपनो गाँव लेव नंद रानी हम कहूँ अनग बसेरी जाए हम कहूँ अनग बसेरी जाए अपनी गाँव लेव नंद रानी अपनो गाँव लेव नंद रानी हम कहूँ अनग बसेरी जाए हम कहूँ अनग बसेरी जाए सुनी बाकर कोल के साकर सुनी बाकर खोल के साकर सुनी बाकर खोल के साकर सुनी बाकर खोल के साकर घर में यह घुस जाए अपनो गाँव ले बनंद रानी 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 हे नंद रानी हे नंद रानी हम आपके लाला से परेशान हो गए हैं ये नंदगांव अब आप लीजिए अब हम यहाँ नहीं रहेंगे हम कहीं अलग बसेरी जाए हम चले कहीं अलग बसेंगे बोले आखिर क्यों क्या हो गया सुनी बांकर जब कोई नहीं होता है ना खोल के साकर या दरवाजा खोल करके हमारे घर में घुस जाता है और क्या करता है घर में जितने दही है माखन है मटकी है सबको फोड़ देता है माखन खाता है नहीं खाता है तो बंदरों को दे देता है अपनो गाँव लेव नंद रानी 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 हम ददी बेचन जाए वृंदावन 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 जब हम दही बेचने के लिए वृंदावन इत्यादि जाते हैं क्या करता है हम ददी बेचन जाए वृंदावन 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 मेरो रास्ता घेरो आए मेरो रास्ता घेरो आए मेरो रास्ता घेरो आए मेरो रास्ता घेरो आए देखन में छोटो सो लागे छोटो सो लागे देखन में छोटो सो लागे देखन में छोटो सो लागे हाल बड़ो हो जाए अपनो गाँव अपनो गाँव लेव नंद रानी 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 क्या कह रहे हैं जब हम दही बेचने के लिए जाते ना वृंदावन जब हम दही बेचने के लिए वृंदावन जाते हैं ना तो ये जो आपका लाला है वह क्या करता है हमारा 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 रास्ता घेर लेता है हमारा रास्ता घेर लेता है देखने में तो ये बड़ा छोटा सा है लेकिन इसके काम जो है सो क्या है बहुत बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े काम इसलिए है नंद रानी अपनो गाँव लेव नंद रानी अपनो गाँव लेव नंद रानी हम कम अनग बसेरी जाए हम कम अनग बसेरी जाए अपनो गाँव लेव नंद रानी अपनो गाँव लेव नंद रानी हम कम अनग बसेरी जाए हम कम अनग बसेरी जाए सुनी बाकर खोल के साकर सोनी बाकर खोल के साकर सोनी बाकर खोल के साकर सोनी
पाखर खोल के सागर हर में यह घुस जाए अपने गावले वनंद रानी अपने गावले वनंद रानी अपनो गावले वनंद रानी अपनो गावले वनंद रानी हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से वर्णन चल रहा है। रुक गया जाए ठीक है, सावा शर्त करते। तो ये लाला तेरा क्या नहीं करता है ये बता मैया। बोले अरे क्या करता है ये तो बता। बोले अरे क्या नहीं करता ये बता। दिए कि अपना गांव लीजिए हे नंदरानी, अब आप अपना गांव लीजिए, आप अपना गांव लीजिए, हम कहूं अनग अनग मतलब अलग बसूंगी। यशोदा अपनी कान्हा को लेकर के या तो आप कहीं चले जाओ या फिर हम चले जाए। बोले अरे चले जाओ, कहाँ चले जाए। बोले क्योंकि ये कान्हा के रहते हुए हम तो चैन से नहीं रह सकते हैं। सभी गोपियों ने शिकायत की। यशोदा कहती है कि मेरा लाला इतना छोटो सो है, ये क्या कर सकता है तुम्हारा, इतना छोटा बच्चा है, क्यों इसको परेशान करती। बोले ये पर हम परेशान करते हैं इसको कि ये परेशान करती है, करता है क्या करता है। बोले बताइए क्या नहीं करता है ये बता मैया। जब हम गृह का कार्य करते हैं ना, तब ये तेरे लाला हमारे हमारे घर में घुस जाता है और असमय बछड़ों को खोल देता है, सारे बछड़ों को खोल देता है और बछड़े अपनी माँ के पास चला जाता है और सारा दूध पी जाता है, हमारे लिए कुछ भी नहीं बचता है। यह सुनकर मैया यशोदा हंसने लगी, अच्छा मेरा लाला ऐसा करता है। बोले यदि ऐसा वह करता है तो तुम्हें डांटना चाहिए। गोपियों ने कहा हम इसे डांटते हैं तो मालूम है ये हमको उल्टा ही डांटता है, ये हमारे ऊपर क्रोध करता है। क्या कहते हैं मालूम है, ये कहता है कि मैंने किसके बछड़े को छोड़ा है, तुम्हारे ही बछड़े को छोड़ा है ना, अपने बछड़े को नहीं छोड़ा, तुम्हारे गाय का दूध उस तुम्हारा ही बछड़ा पी रहा है, मैं अपने बछड़े को ला करके तो नहीं छोड़ा हूं यहां पर, तुम्हारा बछड़ा दूध पिएगा तो तुम्हारा बछड़ा बलवान होगा ना कि मेरा बछड़ा बलवान होगा। निर्दय क्रूर दुष्ट देख देख बछड़ा बेचारा कितना सूख गया है, कितना पतला हो गया है, बिना दूध पिलाए मारते रहती हो, दया भी नहीं आती, ये उल्टा हमें को डांटता है। और जब हम बछड़े को बांधने के लिए घर पे जाते हैं ना तो ये हमारे घर में घुस जाता है और क्या करता है, कहते हैं घर में घुस कर ये माखन के मटके को ढूंढ लेता है। यशोदा ने कहा दी ऐसा ये ढूंढ लेता है तो आप माखन के मटके को अंधेरे कमरे में रखो, ढूंढ नहीं पाएंगे। बोले मैया ये अभी किया, अंधेरे कमरे में भी रखा, लेकिन आप इसे इतनी सुंदर मणि पहनाती हो कि उसके प्रकाश से वो कमरे में भी उजाला हो जाता है। बोले तो एक काम करो, मटके को ऊपर बांध के रखो, उतार नहीं पाएगा। मैया ये भी करके रखा लेकिन मटके को ऊपर बांध देते हैं तो ये बहुत सारे बालकों को लेकर के आता है, उखल को लेकर के आता है और उसके ऊपर चढ़ करके उकार लेता है। बोले और ऊपर बांधो। बोले लाते हैं तो लंबी लकड़ी लाता है और दिखने में तो छोटा है लेकिन उसकी बुद्धि तो देखो, उस मटके के बीच में छेद कर देता है। किसी ने गुप्त और अपना पेट क्या कहते हैं उसको, छोटे से छिद्र से ये लोग सब लाइन में लग करके खाते रहते हैं। किसी गोपी ने कहा मैया ये कृष्ण माखन खाए हमें कोई दिक्कत नहीं, प्रसाद मिलेगा अब थोड़ा भगवान को खाने दीजिए, इतना नजर से मत देखिए, नहीं देखना चाहिए ना। वैसे ही प्रभुपाद जी के समय में सब्जी कुछ बन रहा था तो एक भक्त बड़े नजर से देख रहे थे, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान खाएंगे कि तुम अपनी आंख से ही खा जाओगे इतना क्या नजर गड़ा रहे, नहीं गड़ाना चाहिए, नहीं देखना, इसलिए प्रसाद को पहले से ही कवर करके भोग लगाइए और लाइए भी तो उसको कवर करके, ठीक है, कभी भी इस प्रकार से नहीं लगाना चाहिए।
बोले मैया ये माखन खाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा पेट कितना माखन खाएगा। लेकिन ये अकेला नहीं, पूरी टीम के साथ आता है और टीम को भी लेकर के आए, दो चार दस बच्चे आए तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये बंदरों को भी साथ में लेकर के आता है और पूरे का पूरा घर बिगाड़ देता है। कृष्ण ने सोचा कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम था, इन बंदरों से बहुत काम कराया लेकिन वेतन नहीं दी, इसलिए द्वापर युग में तो पूर्ण पुरुषोत्तम हूं ना, कोई मर्यादा नहीं, अनलिमिटेड, कोई रोकने वाला नहीं, काम उस समय कराया था, सैलरी अभी दे रहा हूं एरियर के साथ। मैया ने कहा अपने माखन के मटके को ऊपर छत में बांध दो। क्या हो रहा है, स्टेज पे बैठते हैं आप लोग ध्यान रखिए इसका। मैया ने कहा अपने माखन को मटके के छत के ऊपर और बांध दो। गोपियों ने कहा मैया ये भी करके देखा, बहुत ऊपर बांधती हूँ तो 10 ग्वाल नीचे खड़े रहते हैं, उसके ऊपर 5, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 2 और सबसे ऊपर ये तेरा लाला खड़ा रहता है। अच्छा उससे भी निकाल देता है क्योंकि हमारे घर में उतनी बड़ी छत भी नहीं है कि मुझसे भी बड़ा किया जाए। तो यशोदा ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम्हें अगर अपनी माखन की चिंता है और कृष्ण माखन खाना ही चाहता है तो तुम इसे माखन दे दो। क्या हमारे घर पे माखन की कमी है, मैं तुम्हें वादा करती हूँ जितना माखन कृष्ण और इसके मित्र खाएंगे हम तुम्हें दे देंगे, 10 गुना माखन दे दो। किसी गोपी ने कहा मैया ये भी करके देखा, हमें पता है कि ये 2:30 बजे आएगा, ये आने वाला है, आएगा तो पूरा घर बिगाड़ेगा, तोड़ फोड़ करेगा, इसलिए हम माखन की मटकी लेकर के बाहर खड़े रहते हैं कि कृष्ण माखन खाओगे तो जानता है ये क्या कहता है, जानती हो ये क्या कहता है। बोले क्या, भिखारी समझ के रखा है क्या, माखन खाओगे माखन खाओगे, हमको उपदेश देते हैं मैया, भिखारी समझ के रखा है, राजा का बेटा हूँ, भीख नहीं, मेहनत करके खाएंगे, जानती हो चोरी करने में कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना प्लान बनाते हैं, कितना रिस्क होता है, माखन खाओगे, गिर जाता हूँ वहां से चढ़ते चढ़ते, देखो चोट लग गया घुटने में, समझती हो कितना कष्ट होता है, बोलती माखन खाओगे, आज के बाद कहना मत, तुझे चाहिए तो घर पे आकर के लेके आओ, भिखारी समझ के रखा है, माखन खाओगे माखन खाओगे, अब क्या करें मैया, देने पर खाते हैं। मैया ने कहा देखो इतना ही दिक्कत है तो घर पे माखन रखो नहीं, घर पे माखन होगा तब तो ये चोरी करेगा, ये बहाना है और उसका समझ रहे ना जवाब उत्तर प्रति उत्तर हो रहा है। बोले माखन घर पे रखो ही नहीं, रखोगी तब तो चोरी करेगा, ये भी करके देखा मैया, जिस दिन हम घर पे मक्खन माखन रखते नहीं है ना ये तेरा लाला शराब देता है, क्या कहता है मालूम है, इस घर में मेरे खाने के लिए माखन नहीं है, मेरे खाने के लिए इस घर में भोजन नहीं है, इस घर के सारे लोग दरिद्र हैं और अगर दरिद्र नहीं है तो बन जाए, और मैया अगर इसका श्राप लग गया तो हमारी 21 पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। ये कहता है कि इस घर के आने वाले 21 पीढ़ी के लोग कटोरा लेकर के भीख मांगे, अब यदि इसकी वाणी सत्य हो गई तो हम तो गए ना गांव से, इसलिए मैया अब कृष्ण को लेकर के चले जाओ। तब कृष्ण कहते हैं मैया इन सब की बातों में मत आना, ये सब झूठी है। तब एक गोपी आकर के कहती कौन झूठी है बता बता, कान पकड़ के कृष्ण क्या माधुर्य छिपा है भगवान की लीलाओं, कान पकड़ के कृष्ण का कान पकड़ पीछे से निकालती बता बता कौन झूठी है बता बता बता। मैया ये दिखने में छोटा है लेकिन जानती हो जब हम पनघट पे पानी भरने जाते हैं ना तो ये जानती हो क्या कहता है, ये कहता है ये मुझसे शादी करेगी, पूछो पूछो इसको शादी का मतलब भी जानता है। कृष्ण कहते हैं मैया ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग लो, 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 प्लान बना करके आए और इनका प्लान मैंने सुन लिया, मैं कहीं से जा रहा था तो ये सब लोग वही कॉर्नर पे है ना वो कॉर्नर पे बैठ करके लोग प्लान कर रहे थे कि देखो कृष्ण बड़ा अच्छा लड़का है, देखने में बहुत सुंदर है, इसकी शादी नहीं होनी चाहिए क्योंकि यदि इसकी शादी हो जाएगी तो ये हमारा नहीं रहेगा, तो ऐसा क्या करें कि कृष्ण की शादी ना हो, तो कृष्ण के ऊपर क्या लगा देते हैं कलंक लगा देते हैं जिससे वो बदनाम हो जाएगा और उससे उसकी शादी नहीं होगी और ये जीवन भर हमारा रह जाएगा।
इसलिए इसकी आयत लेकर के आती है मैया, इसकी बातों में मत आना। बता तेरा बेटा कभी चोरी कर सकता है? तो इस प्रकार भगवान उत्तर प्रत्युत्तर कर रहे हैं। आगे की कथा को हम लोग अगले सत्र में बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की चर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही सुंदर ये उत्सव कार्यक्रम चल रहा है और वास्तव में जैसा कि शुरू में आप लोगों ने सुना कि जब मथुरा से कर देकर नंद जी पहुंचे थे कर देने के लिए और वहां पर वसुदेव जी कह रहे हैं कि आप जल्दी से लौट जाइए क्योंकि वहां पर कुछ उत्पात हो रहा है। तो वसुदेव जी की बातों को सत्य मानकर नंद बाबा आ तो रहे हैं गोकुल, लेकिन मन ही मन भगवान के शरण में चले गए। बड़ी सुंदर शिक्षा प्राप्त होती है। प्रभुपाद जी अपने इस भागवत के श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इस संसार में पग पग पर विपत्ति है, पदम पदम यद विपदाम न तेसाम। प्रत्येक क्षण पर प्रत्येक पग पर कष्ट है, संकट है, दुख है, चिंता है, क्लेश है, हर प्रकार से व्यक्ति आक्रांत है, दुखी है। तो बचने का उपाय क्या है? रहना तो इसी भौतिक जगत में है, यहां से बाहर तो हम जा नहीं सकते, इन्हीं लोगों के बीच में रहना है। और जो कार्य करते हैं, खेती है, व्यापार है, बिजनेस है, नौकरी है, करना भी यही है। और पग पग पर विपत्ति भी है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो फिर उपाय क्या है? तो जैसे नंद बाबा भगवान की शरण में चले गए, वैसे व्यक्ति अगर कृष्ण की शरणागति को स्वीकार कर ले इस जीवन में, तो फिर उसके जीवन के सारे क्लेश, चिंता, कष्ट, दुख सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। भागवत जी का श्लोक है, समाश्रिते पदपल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धिरिय वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेसाम। अगर हम आश्रित हो जाएं, समाश्रिता ये पदपल्लव प्लवम, भगवान के चरण कमलों के प्रति, भगवान के नाम के प्रति अगर हम आश्रित हो जाएं, उनके नाम को अपने जीवन में धारण कर लें, तो हम रहेंगे इसी संसार में रहेंगे, बिजनेस भी करेंगे, नौकरी भी करेंगे, गृहस्थी भी करेंगे, परिवार के बीच में रहेंगे, लेकिन फिर भी ये हमें उसी प्रकार टच नहीं कर पाएगा, छू नहीं पाएगा, जैसे कि कमल का पुष्प जल में रहता है लेकिन फिर भी जल से परे रहता है, जल में ही रहता है लेकिन जल कभी कमल के पुष्प को स्पर्श नहीं कर पाता। वैसे देखने से तो लगेगा कि हम इस भौतिक संसार में ही हैं, आम पब्लिक की तरह हम भी बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं, बातें करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की शरणागति, भगवान के नाम के आश्रित होने के कारण ये जो भौतिक जगत के कष्ट है, दुख है, चिंता है, ये कभी भी हमें स्पर्श नहीं कर पाएगा।
जैसा कि नंद बाबा के पुत्र लाला को कुछ नहीं हुआ, पूतना आई लेकिन कृष्ण की शरणागति जाने के कारण उनको पूर्ण विश्वास था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ना कि जहां पर भगवान की कथा का कीर्तन होता है, श्रवण होता है, वहां ये सब देवी आसुरी प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं होता। तो फिर जहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, वहां इनका क्या प्रभाव होगा। तो इन सब बड़ी बड़ी कथाओं का आयोजन, लोगों को बुलाना, लोगों को आमंत्रित करना, प्रसाद खिलाना, भागवत का दान करना, उद्देश्य क्या है? केवल एक ही उद्देश्य है कि आप इन भागवत के शब्दों के तात्पर्य को सुनिए, समझिए और अपने जीवन को कृष्ण के आश्रित कीजिए। कृष्ण के आश्रित एक बार जीवन हो जाने से जीवन में मंगल ही मंगल होता है। तो बड़ी ही सुंदर कथा श्लोक के माध्यम से अनेकों शिक्षाओं से युक्त प्रभु जी के द्वारा सुनने को प्राप्त हो रहा है। तो हम प्रभु जी के विशेष आभारी हैं और साथ ही साथ आज का जो स्पेशल प्रसाद है वो प्रभु जी के ही द्वारा डोनेट किया गया है। सोचिए, लोग कहते हैं कि कथाकार जो होता है वो पैसा लेते हैं और पैसा लेकर आते हैं, 7 दिन कथा करते हैं फिर चले जाते हैं। लोगों की मानसिकता ऐसी बनी हुई है। तो फिर क्या जरूरत है देने की? हम तो लेने के लिए आए हैं कि हम 7 दिन कथा करेंगे, लोग हमें दक्षिणा देंगे, फिर हम चले जाएंगे। लेकिन जब मैं आया आज तो प्रभु जी बोले कि नहीं, आज स्पेशल प्रसाद होगा सभी भक्तों के लिए। तो हम बोले ठीक है प्रभु जी, बनेगा। लेकिन बोले कि नहीं, मेरे तरफ से होगा। तो आज का जो प्रसाद है प्रभु जी के द्वारा ही डोनेट किया गया है सभी भक्तों के लिए। तो हम विशेष आभारी हैं हिज ग्रेस रूपानुगा प्रभु जी के, जो कि जब भी हम याद करते हैं तो धर्मपुरा के लिए तैयार रहते हैं। अनुकूल प्रतिकूल सारी परिस्थितियों में तो हम प्रभु जी का हृदय से महामंत्र से आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। और साथ ही साथ अभी हमारे बीच आए हैं वेणु विनोद प्रभु जी, जो कि बहुत सुंदर कीर्तन गाते हैं और प्रति वर्ष प्रायः आ ही जाते हैं। इस बार भी परिस्थिति नहीं थी आने की। सिवान में कथा चल रही है, वहां पर प्रभु जी का प्लानिंग था जाने का, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया कि आइए। इस बार मैं समय से नहीं आ पाया, इसलिए थोड़ा भक्तों की कमी तो है, लेकिन फिर भी वास्तव में हमारे इस नामठ सेंटर के जो भी भक्त हैं, माता जी या प्रभु जी, सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि अनुपस्थिति में भी इतना सुंदर कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किए और इस कार्यक्रम को करा रहे हैं। तो हिज ग्रेस वेणु विनोद प्रभु जी का भी हम हृदय से महामंत्र से आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हरिनाम संकीर्तन जाना है प्रभु जी, क्या करना है? जाना है कहाँ? जलवैया। तो कल हरिनाम संकीर्तन सुबह में जाएगा जलवैया गांव के लिए। तो आप लोग समय से आइए और संध्या के सत्र में भी 6:30 बजे गौर आरती होता है। इसके बाद दामोदर अष्टकम होगा, दामोदर आरती होगा, इसके बाद 45 मिनट का क्लास भी होगा। तो देखिए, एक चीज और मैं बताना भूल गया कि ये जो महीना चल रहा है ना, ये कार्तिक महीना है और इस कार्तिक महीना में पद्म पुराण में ऐसा बताया गया है कि अब आपको ऐसा लगे या न लगे, लेकिन इन किन प्रकारेण अगर किसी भी प्रकार से आप कार्तिक महीना में थोड़ा सा भी, जैसे मान लीजिए कि 7 दिन की कथा है,
केवल एक दिन भी आप आ गए और कथा का संग किए, कीर्तन किए, भगवान को प्रणाम किए, दीप दान किए, प्रसाद खाए, या फिर भक्ति के जितने भी अंग हैं, इन अंगों में से किसी भी एक अंग को अगर आपने जाने अनजाने, जानकर भी या अनजान में भी अगर आपने कर लिया, तो पद्म पुराण में कहा गया कि स्वल्पम अपि उरुकारक, थोड़ा सा भी, स्वल्पम अपि, थोड़ा सा भी अगर आपने कर दिया तो उरुकारक, बहुत बड़ा बनकर वह प्राप्त होता है। जैसे महाराज उदाहरण दे रहे थे कि जैसे कोई व्यक्ति 1,00,000 रुपया किसी को डोनेट कर दे, डोनेशन दे दे, तो 1,00,000 रुपया तो उसका मूल पूंजी सूद पर, डोनेशन नहीं, सूद पर, सॉरी, 1,00,000 रुपया किसी को इंटरेस्ट पर दे दे, 2%, 3% या 4% पे, तो उसका 1,00,000 जो है वो तो मूलधन ज्यों का त्यों बना रहेगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो होता है, उसका ब्याज जो होता है, इतना जल्दी बढ़ता है कि स्वल्पम अपि उरुकारक, कुछ ही काल के बाद, कुछ ही समय के बाद जितना मूलधन होता है उससे भी ज्यादा उसका ब्याज हो जाता है। तो ये कार्तिक महीने का महात्म्य ऐसा है, ये समय का ऐसा प्रभाव है, काल का ऐसा प्रभाव है कि ये काल जो है, ये समय जो है, किसी व्यक्ति के द्वारा अगर थोड़ा सा भी भक्ति के कार्य को किया जाता है तो उसके जीवन में बहुत बड़ा बनकर वो स्वीकृत होता है, उदय होता है। और फिर जब समय होता है तो लोग कहेंगे, कह सकते हैं कि भाई हम तो सातों दिन आए, दीपदान भी किए, कथा भी किए, लेकिन हमारी मति भगवान में नहीं लग रही है, नाम जप करने की इच्छा नहीं हो रही है। आप इतना विस्तार से बताए कि थोड़ा सा भी अगर कोई कर ले तो बहुत बड़ा पुण्य बनकर उसके जीवन में आता है। हम 7 दिन आए, भागवत कथा सुने, समय से आए, दीप दान भी किए, सुबह भी आए, शाम में भी आए, दोपहर में भी आए, फिर भी हमारा मन भगवान में नहीं लगा, भगवान के प्रति हमारी रुचि जागृत नहीं हुई। तो आचार्य उदाहरण देते हैं कि जैसे खेत में अगर अभी आप बीज डाल दीजिए गेहूं का, वो नहीं जमेगा, लेकिन जब समय आएगा तो अपने आप अंकुरित हो जाएगा, जम जाएगा। तो आप इस कथा पंडाल में आए, इस कार्तिक महीने में आपने कथा सुना, दीप दान किया, भक्तों का संग किया, प्रणाम किया, तो आपके जीवन में पुण्य का बीजारोपण हो गया। लेकिन अंकुरित कब होगा? जब उचित समय होगा तो अपने आप आपके हृदय में भगवान की भक्ति अंकुरित हो जाएगी और आपकी ऐसी निष्ठा, रुचि भगवान के नाम के प्रति हो जाएगी और आप स्वयं से भगवान से अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जुड़ने का लाभ आप लोगों ने सुना कि राक्षसी जो रुधिरासना थी, जो छोटे छोटे बच्चों को मारकर खून पीती थी, लेकिन कृष्ण के साथ कनेक्ट होने के कारण जब उसके शरीर को जलाया गया तो उसके शरीर से अगरू का गंध निकलने लगा। तो हम तो राक्षस नहीं है, हम तो साधारण इंसान है। हम जब कनेक्ट हो जाए भगवान से, भगवान के नाम से, तो फिर हमारा ये शरीर, हमारी वाणी, हमारा मन पवित्र हो जाए, दिव्य हो जाए, इसमें कौन सा संदेह है। तो इन सब कथाओं के माध्यम से जो आचार्यों के टीका से होता है, देखिए कथा अनेकों जगह होती है, लेकिन 7 दिन में पूरा भागवत की कथा हो गई। और यहाँ पर स्थिति यह है कि अभी 3रा दिन समाप्त हो गया, अभी लीला भी शुरू नहीं हुआ, दामोदर लीला भी शुरू नहीं हुआ। तो आचार्यों की टीका से जो हम मर्म को जानते हैं, जो हम रहस्य को जानते हैं, ये अन्यत्र कहीं और नहीं मिलेगा। हाँ, अन्यत्र बहुत ज्यादा भीड़ मिल सकता है, मेला, चरखी, ठेला मिल सकता है, बहुत बड़ा बड़ा चीज देखने को प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो दिव्य ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम अपने जीवन को पवित्र और मंगल कर सकते हैं, वो अन्यत्र नहीं मिल सकता है। इसलिए कि न तो कहने वाला पवित्र होता है, न ही फिर कराने वाला पवित्र होता है।
लेकिन पिछले 10 साल से कार्यक्रम होता है, छोटा हो या बड़ा हो, हॉल में हो या फिर फील्ड में हो, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है कि जो भी लोग कथा में आए, इन कथाओं के माध्यम से, इस दिव्य ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को कृष्ण के नाम से जुड़े और इस प्रकार से हमारा जीवन मंगलमय हो सकता है। तो अभी हम लोग भागवत जी की आरती करेंगे 5 मिनट में, और भागवत जी की आरती के बाद कीर्तन होगा 5-10 मिनट। इसके बाद सभी भक्तों के लिए प्रसाद है और खीर प्रसाद है, स्पेशल खीर प्रसाद स्वीट राइस प्रभु जी के द्वारा डोनेट किया गया है, तो सभी लोग लेकर जाएंगे और अभी आरती कर ले। इसके बाद हरे कृष्णा, सभी लोग खड़े हो जाए। कल भी कोई प्रसाद देना चाहे तो स्वागत है। हाँ, अगर कल भी कोई प्रसाद देना चाहे तो आप, उपेंद्र प्रभु हैं या मोहन जी हैं या फिर और भी जो हमारे मंदिर के भक्त हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, इस गांव के या दूसरे गांव के जो भी भक्त हो, अगर देना चाहे तो आप दे सकते हैं, उनका भी स्वागत है। हरे कृष्णा। भागवत जी की आरती। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रसमय कल, परमानंद सुधा रसमय कल, आरती रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु मय भव भय हारिणी, जन्म मृत्यु मय भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सुमहौ सति हरि चरित गान की, सुमहौ सति हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विनाशिनी, विमल विराग विवेक विनाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, सब बताइए पीछे से ताली बजाते हुए माता पार्वती की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथायकिंचन प्रिय सुजान की, कथायकिंचन प्रिय सुजान की, आरती
अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जीवो हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे